chapter 53 and we are again practicing law of association and visualization uh, this law is helping you to retain uh, different kind of facts and especially different kind of long lists in a perfect way right now we are doing world countries so let's do oceania uh, this continent is also known as australia continent

ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के बारे में पता नहीं था थोड़ी गिन्नी उन्होंने अपने जेब में रख ली थी गिन्नी सोने की गिन्नी जो बनाते हैं तो पापा न्यू गिन्नी पापा ने न्यू गिन्नीस कुछ अपने पास रखी और ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए चल पड़े ऑस्ट्रेलिया घूमने के बाद उन्होंने कहा हमने देख लिया अब कहाँ जाए बच्चे ने कहा हम नई लैंड पे चलेंगे न्यूजीलैंड वो नई लैंड पे चले गए और न्यूजीलैंड वॉज वंडरफुल ब्यूटिफुल कंट्री न्यूजीलैंड देखने के बाद वहाँ न्यूजीलैंड में कुछ फौजी थे जिन्होंने उन लोगों का स्वागत किया और उनकी हेल्प की तो अगले कंट्री का नाम है फ़ीजी फीजी स्टैंड फॉर फौजी और ये फौजी बाद में जो है वो इनको सोलोमन आइलैंड्स घुमाने के लिए लेके गए तो सोलोमन उन्होंने कहा कि ये देखिए आइलैंड्स बहुत ही खूबसूरत हैं और मन करता है कि यहीं पे सोलो इसीलिए इनका नाम पड़ गया है सोलोमन आइलैंड्स और वो लोग वहाँ जाके सो गए थकान जब मिटी तो उनको लगा कि आइलैंड पे थोड़ा घूमना चाहिए तो उन्होंने एक वैन को वहाँ से हायर किया तो वैन से आपको याद रहेगा वैनतू तो वैन का ड्राइवर जो है वो एक सूमो था सूमो रेसलर तो सूमो से आप अगले देश का नाम समाउ याद रख सकते हैं ये सूमो जो है वो वैन चला रहा था और वैन ठीक से चल नहीं रही थी इन्होंने बाद में सुमो को कहा सुमो भाई आप टोंगा पकड़ो और आप घर जाओ हम अपने आप वैन चला लेंगे सुमो उतरा और जाके एक टोंगा में बैठ गया जो टोंगा है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था उसमें बहुत ही माइक्रो 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 ऑब्स मतलब ऑब्जेक्ट्स लगे हुए थे उसको ब्यूटीफाई करने के लिए तो आपको माइक्रो से याद रह जाएगा माइक्रोनेशिया और इस कंट्री का नाम है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया टोंगा गाड़ी के बाद में आपको इसे याद रखना है और ये जो माइक्रो चीज़ें थी दो और महिलाएं जिनके जो बैठी थी टोंगा में वो दोनों महिलाएं जो हैं इन माइक्रो चीज़ों के बारे में बातें कर रही थी तो अगले कंट्री का नाम है किरी बाती बहुत सारी बातें उन्होंने करी उनकी बातें जो है वो बाद में धीरे 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 बढ़ने लगी तो थोड़ा शोर होने लगा तो उनको चुप कराने के लिए जल्दी से कुछ मार्शल्स जो हैं वो वहाँ पर आ गए उनको लगा कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा तो मार्शल आइलैंड्स अगली कंट्री का नाम है ये मार्शल्स जो है उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके ये मार्शल वहाँ से वापस चले गए और वापस जाके इन लोगों ने पुलाव खाया तो अगली कंट्री का नाम है पुलाऊ और ये पुलाव जो है वो एक व्यक्ति नाव के ऊपर बेच रहा था तो अगले देश का नाम है नवारू और नाव के ऊपर ये व्यक्ति जो है इसने एक तवा रखा हुआ था और उस तवे पे कई तरह की डिशेस ये बना के और लोगों को देता था तो नवारू नाव नाव के बाद में अगला है तवालू और तवे के ऊपर आलू सेक सेक के कई तरह की डिश ये बनाता था तो आखिरी कंट्री का नाम है तवालू इस प्रकार से चार मिनट करीब करीब पौने चार मिनट चार मिनट और के आसपास टाइम में आपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को पूरा याद कर लिया है अब मैं आपसे क्विकली एक बार रिव्यू करने को बोलूँगा पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे और तो पापा से पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया गए ऑस्ट्रेलिया से फिर नई लैंड देखने गए न्यूजीलैंड और वहाँ पे फौजियों ने स्वागत किया तो फिजी फौजी जो है बाद में सोलोमन आइलैंड लेके चले गए और उन्होंने कहा कि यहाँ मन करता है कि सोलो तो सोलोमन आइलैंड्स और सोने के बाद थकान मिट्टी और उन्होंने कहा कि अब तो वैन में घूमने जाएंगे तो उन्होंने एक वैन हायर की वैनतू वैन का ड्राइवर एक सुमो था तो समाओ बाद में रास्ते में वो ठीक से चला नहीं पा रहा था तो उन्होंने कहा कि टोंगा गाड़ी से सोमो चला जाएगा सोमो उतरा और टोंगा में बैठ गया तो टोंगो जो है वो अगली कंट्री का नाम है और टोंगो को जो है वो बहुत छोटी चुट छोटी माइक्रो माइक्रो चीज़ों से डेकोरेट कर रखा था तो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और इन माइक्रो चीज़ों के बारे में दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थी कंट्री का नाम है किरीबा थी और इनको चुप कराने के लिए कौन आया था मार्शल्स आ गए थे तो मार्शल आइलैंड्स और मार्शल्स ने बाद में क्या खाया था हा? पलाव वो पलाव खाया था वो पलाव मिल कहाँ रहा था नाव के ऊपर मिल रहा था तो नवारू और नाव के ऊपर क्या रखा था एक बड़ा सा तवा जिसके ऊपर तो आलू था तो तवालू ये सारे कंट्रीज आपने कर लिया ओशन इज डन सो बाय दिस पॉइंट व्हाट यू हैव डन इज़ आपने यूरोप के सारे कंट्रीज़ के नाम याद कर लिए साउथ नॉर्थ अमेरिका आपको याद है साउथ अमेरिका आपको याद है और एशिया भी आपने याद कर लिया है ऑस्ट्रेलिया भी आपने याद कर लिया है तो बस अब दुनिया का एक कॉन्टिनेंट आपको बच गया है अफ्रीका एंड वी ग डू इट इन द नेक्स्ट आई एल जस्ट से हैप्पी प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग This is the only way you will excel. Thank you so much for listening. This. Thanks. Chapter 51. Right now, we are practicing uh, how to use the technique of visualization and uh, association in day to day life. And we are doing world countries. Abita aapne Europe or North American countries ko learn kiya In this chapter, we're gonna do South America. So, one of the biggest countries in South America is Brazil. So, how you will visualize it? For me, it is uh, just a kind of a song. Brazil. <laughs> so, that song, and uh, just just imagine that uh, very loud sound and some parties going on. एंड लॉ ऑफ पीपल आर डांसिंग ब्रॉजी एंड यू नो सेकेंड वर्ल्ड इज कोलंबिया सेकेंड कंट्री इज़ कोलंबिया सो यू कैन इमेजिन कि लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं और उनके बाल थोड़े से बिखर गए हैं तो उन्होंने कॉम बाद में उनको कर लिया है तो कॉम से आप याद रख सकते हैं कोलम्बिया और या फिर किसी कोलम के पास आके खड़े हो गए या कॉम कर लिया और फिर अचानक से क्या हुआ कि वो कॉम हाथ से छूट गया तो अगली कंट्री का नाम है पेरू और पैर पे आके गिरा तो पेरू अगली कंट्री का नाम है पैर पे थोड़ी सी चोट लग गई तो पैर से थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ाते हुए जाके और एक वैन के पास एक झूला था उस वैन के पास वाले झूले पे जाके बैठ गए तो वैन के पास में झूला तो वेनेजुएला दैट इज़ द नेम ऑफ ने द कंट्री वेनेजुएला के बाद अगला है इक्वाडोर तो हमने ऐसे यूशलाइज कर सकते हैं कि वैन के पास झूला झूले पर बैठे थे तो सामने सामने एक डोर दिख रहा था इक्वाडोर एक डोर दिख रहा था एक दरवाज़ा दिख रहा था इक्वाडोर इक्वाडोर के बाद अगली कंट्री का नाम है गुएना तो दरवाजे के पास एक आदमी पूछा गयेना अब अभ, अब अभी तक गए ही नहीं या फिर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते गोयना से गाय को भी इमेजिन कर सकते गाय से गोवेना उसको इमेजिन कर सकते हैं और गोयना और फ्रेंच गोयना दो कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर हैं तो गोना तो गाय से आप गवैना को इमेजिन कर सकते हैं गाय के गले में एक नेम प्लेट जो है वो टंगी हुई थी तो उसके ऊपर सर नेम लिखा हुआ था किसी का तो सर नेम से आप याद रख सकते हैं सूरी नेम वो कंट्री का नाम है और फिर अचानक से गाय ने बड़ी जोर से अपनी गर्दन हिलाई और वो सर नेम लिखी हुई जो नेम प्लेट थी उसकी गर्दन से निकल के और बहुत दूर एक एंटीना पे जाके अटक गई और उस कंट्री का नाम था अर्जेंटीना एंटीना जो है वो छत पे लगा हुआ था और छत के ऊपर बहुत सारी चिली सूख रही थी तो अगली कंट्री का नाम है चिली किसी आदमी ने गलती से पूरा का पूरा एक चिली खा लिया और वो बहुत ज़ोर जोर से ऐसे करके बोलने लग गया तो बोलीविया उसने बहुत बलोल जल गया मुझिल गया ऐसे बहुत जल्दी जल्दी उसने कुछ बोल दिया तो चिली खाने के बाद बोल दिया तो उसी से हमने ध्यान रख दिया कि बोलीविया बोलीविया के बाद अगली जो कंट्री है परा तो वो बहुत जल्दी जल्दी जब बोल दिया तो कोई उससे इरिटेट हो गया उसने कहा अरे भाई तुम परे जाओ यार मुझे डिस्टर्ब मत करो परे जाओ परा अरे परे चले जाओ परा ऐसे करके आप इमेजिन कर सकते हो वो थोड़ा सा रूठ गया हो गया नाराज हो गया और वो थोड़ा परे चला गया और परे इतना चला गया कि बाद में उसने एक फ़्लाइट लिया और उड़ गया उरु गवे वो वहाँ से उड़ गया तो ये करीब थर्टीन कंट्रीज़ हैं जो साउथ अमेरिका में हैं ऑल वी हैव डन तो सबसे पहले जो है वो कौन सी थी ब्राज़ील और ब्राज़ील में अभी ओलंपिक्स भी हुए थे आपको ध्यान होगा तो ब्राज़ील ब्राज़ील के बाद वो पार्टी कर रहे थे ब्राज़ील वाले सॉन्ग पे और बाल बिखर गए तो उन्होंने बाद में कॉम किया कॉम से पाँव के ऊपर गिरा पाँव से फिर थोड़ा सा लड़खड़ा के वैन के पास वाले झूले पे बैठ गए वैन जोएला वहाँ से सामने डोर दिख रहा था एक वे डोर डोर के बाहर गाय थी गोयना और फ्रेंच गोयना एक फ्रेंच आदमी की गाय थी तो फ्रेंच गोयना भी आप कल्पना कर सकते हैं गाय के गले में एक सर नेम लगी हुई प्लेट लटक रही थी तो सूरी नेम प्लेट ने गाय ने जोर से गर्दन को झटका मारा तो प्लेट उड़ के गई एंटीना पे लगी एंटीना से अर्जेंटीना और वहाँ छत पे एंटीना था वहाँ छत पे क्या सूख रहा था चिली वेरी गुड सही याद आया आपको तो चिली चिली सूख रही थी छत पे और चिली को एक आदमी ने खा लिया और क्या किया उसने वेरी गुड बोलीविया बोल दिया उसने बहुत कुछ बोल दिया बड़बड़ बड़ करके बोलीविया और फिर दूसरे आदमी ने कहा कि भाई तुम परे जाओ तो परा गवे और बाद में वो उड़ गया उ गवे तो ये सारे कंट्रीज़ हमको जो है साउथ अमेरिका के याद हो गए आप थोड़ा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एंड दिस इज़ द सेम वे एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से यू हियर जब मैं एसोसिएशन बनाता हूँ तो दिस इज वॉट माई इमेजिनेशन इज़ आपको प्रयास करना चाहिए आप अपने तरीके से अपनी कल्पनाओं को बनाएं तो अगर आप उस वर्ड को सुनने के बाद आपको कुछ और इमेज दिमाग में आती है तो आप अपनी जो विजुअल्स हैं अपनी जो इमेज़ हैं उनको स्टोरी में लीजिए उनसे आप कहानी को आगे बढ़ाइए तो आपकी जो याद रखने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा सा अभ्यास आपने अभी तक किया है उस अभ्यास से आपको एक बार सुनने के बाद ये इस तरह की स्टोरीज़ या एक बार पढ़ने के बाद या खुद जब आप स्टोरीज बनाते हैं तो करीब 40 परसेंट फिफ्टी परसेंट तक आपको याद रहता होगा और अगर इससे ज़्यादा याद रहता है तो दिस इज रियली रियली वंडरफुल इट्स गुड थिंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस फोर्टी फिफ्टी परसेंट विल गो एटी नाइन्टी परसेंट सो जस्ट आई एम गिविंग माई बेस्ट विशेज कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग थैंक यू गुड बाय चैप्टर फिफ्टी प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन एंड इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग वर्ल्ड कंट्रीज स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज सो लेट्स क्विकली क्रिएट दिस स्टोरी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज द बिगेस्ट वन इज यू एस ए तो यू एस ए घूमने के लिए गए आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं और यू एस ए में जाते ही एक जूस का बड़ा सा कैन लिया सो कैन स्टैंड फॉर कैनेडा वो कैन में मैक्सिमम जूस भरा हुआ था तो मैक्सिको या उसमें से कैन में से मैक्सिमम जूस को बाहर निकाल निकाल के पिया तो नेक्स्ट इज मैक्सिको तो यूएसए के आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुंचे पहुँचते हुए कैन खरीदा कैन खरीद के मैक्सिमम जूस पिया और एयरपोर्ट से बाहर निकले तो देखा कि गोटे की माला हाथ में लिए बहुत सारे लोग खड़े गोटा आप समझते होंगे तो माला लेकर के बहुत सारे लोग खड़े थे और गोल गोल गोटे की माला और वो माला को पहनाते गए और स्वागत करते गए कि आइए आपका स्वागत है और अगला वर्ड अगला कंट्री है क्यूबा तो सब लोगों को गोटे की माला पहना रहे थे और हाथ में एक क्यूब दे रहे थे सॉल्व करने के लिए ओह वेलकम ये एक छोटा सा तोहफ़ा हमारी तरफ से आइए आइए क्यूब को सॉल्व करिए और कुछ लोग जो है सामने क्यूब को सॉल्व करते हुए एक बड़े से डोम में जा रहे थे और डोम स्टैंड फॉर डोमिनिकन रिपब्लिक तो डोमिनिकन रिपब्लिक एक बड़ा सा डोम था उस डोम के अंदर जितने भी लोग थे सब ने हैट पहनी हुई थी सो so, हैट से आप इमेजिन कर सकते हैं हैती ये एक छोटा सा देश है और हैती के बाद में अगला है होंडुरास तो जो भी लोग हैट पहने हुए थे उनमें से एक सबसे बड़ी विशाल का है, हैट पहने वाला जो आदमी था वो डोम में से बाहर निकला होगा और उसके पास होंडुरास उसके पास होंडा की एक कार थी होंडुरास जैसे होन्डो की कार्स तो उसके पास होंडा की कार्स थी और उन्होंने होंडा की एक कार को बाहर निकाला एल सिल्वर डोर और उसकी एल शेप का जो डोर था सिल्वर का वो डोर उसने खोला एल सिल्वर डोर और वो डोर खोल करके और निकारा गुआ उसमें एक निकर पड़ा हुआ था वो उसने उसको बाहर निकाला और कॉस्टारिका निकर के ऊपर एक कॉस्ट टैग कॉस्ट का टैग लगा हुआ था एक प्राइस टैग लगा हुआ था उसके ऊपर और वो प्राइट टैग उसने उसमें से तोड़ा और तोड़ के एक पनामा अगली कंट्री का नाम है तो ये कॉस्ट उसके हाथ में था पनामा पनामा आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे पजामा तो वो टैग तोड़ करके उसको पजामे की जेब में उस टैग को रख लिया अगला शब्द है जमाइका और उसने बाद में अपना पजामा जो है वो अच्छे से धो करके और उसको जमा करके और प्रेस करके और अच्छे से रख दिया और कपड़े चेंज कर लिए तो जमाइका और जमा हुआ जो उसका ये पाजामा था वो अगला उससे बाद में थ्री नाद एंड टबैको तो जहाँ उसने जमा के रखा था वहीं बगल में जो है वो टबैको पड़ा था बहुत सारा और टबैको की वजह से जो है वो जमा हुआ उसका जो पाजामा था वो ख़राब हो सकता था जिसकी जेब में वो कॉस्ट का है ना टैग रखा हुआ था कॉस्ट का वो प्राइस कॉस का टैग रखा हुआ था जो निकर की जेब से निकला था जब सिल्वर का डोर उसने होंडा कार का खोला था हैट पहने हुए व्यक्ति ने जो कि एक डोम से निकल के आया था जिसमें सब लोग क्यूब हाथ में लिए घुस रहे थे और सबको गोटे की माला पहना पहना के स्वागत करके अंदर बुला रहे थे और गोटे की माला वही आदमी पहन रहा था जो मैक्सिमम जूस एक कैन में से पी के आया था और यूएस घूमना चाहता था इजेंट इट सो so, अब हम टोबैको की बात करें और कंट्री का नाम है एक बार वापस से पनामा पनामा के बाद जमाई क्यों उसने सारे पजामों को जमा के अच्छे से रख दिया और वहीं पर थ्रीनी डाद थ्री निद एंड टोबैको तो वहाँ पे तीन जो है वो दाग के से निशान बने हुए थे और टोबैको के कुछ पैकेट्स रखे हुए थे द ब्रह्मास किसी से पूछा कि यह टोबैको पैकेट किसके हैं तो कहा कि वो एक ब्रह्मास से अपन कह सकते हैं कि वो एक ब्राह्मण जी हैं हमारे घर के पास में उनके हैं ये सारे के सारे उनको टब्बैकू थोड़ा खाने का शौक है तो ब्रह्मास ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि सुबह कोई वो ब्राह्मण जी आएंगे वो आके इस ट्बैकू को ले जाएंगे और उसको साफ सुथ करने का तरीका बता देंगे तो, तो दैट वे इट ऑल्सो कैन ऑल्सो वर्क और साफ कर देंगे ऐसा भी कुछ भी विजुलाइज़ कर सकते हैं आप एक्चुअली सो त्री दाद वो तीन दाग के से निशान जहाँ वो जमा हुआ पड़ा था दीवार पे दिख रहे थे और टोबैको की वजह से वो निशान हुए थे सुबह जो है वो ब्रह्मास ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है वो ब्रह्मा के रूप वाले जो है वो ब्राह्मण्स को बुलाया गया बैलीज और उन्होंने कुछ टोटका किया और ब्राह्मण्स जो हैं वो बैलीज पहन करके वापस गए घर से बार ब बा दोष और उन्होंने सारा दोष जो है वो बैली का निकाल दिया था तो बैलीज आप समझते होंगे कि हाई हील के या वो एक कवर्ड जो फू फू फूड के लिए जो जूते हैं तो बैलीज जो विमेन शूज़ हैं उसे बैलीज कह बैलीज कहते हैं तो बैलीज जो है वो पहन करके के वो निकल गए और बार बादोस और वो बारबर की दुकान में चले गए आप ऐसे विजुलाइज़ कर सकते हैं बादोस स्टैंड फॉर अ बारबर बारबर जो कि उनका दोस्त था उसकी दुकान पर चले गए बार बादोस सेंट ल्यूसिया अगली कंट्री का नाम है सेंट ल्यूसिया तो वहाँ बारबर जो दोस्त था उनका उसकी दुकान में एक ल्यूसी करके एक कैट बैठती थी उसका ल्यूसी कैट का नाम सेंट ल्यूसिया था ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं और सेंट विट एंड ग्रेनाडी तो बारबर की जो शॉप थी जो बारबर उनका दोस्त था बारबर दोस्त और बारबर दोस्त की शॉप के ऊपर सेंट ल्यूसिया तो सेंट ल्यूसिया को कैसे इमेजिन करेंगे एक संत है जिनका नाम है ल्यूसिया और वो वहाँ आ गई हैं और दूसरा नाम है सेंट विंसेंट एंड ग्रीनाडीज तो अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक और संत थे विंसेंट उनके में से सेंट की खुशबू आ रही थी एंड दी ग्रीन नाडीज़ और उनकी जो नाड़ियाँ थीं वो ग्रीन कलर की थी जो स्किन के ऊपर बाहर से भी दिख जाती थी तो बार बार की शॉप में एक तो ल्यूसी अट्रैक्शन का कारण बनी हुई थी वो बैठी रहती थी सबको देखती रहती थी और एक बहुत बड़ी संत की तस्वीर लगी थी या स्टैचू बनी हुई थी जिनको हम सेंट विंसेंट कहते हैं और जिन्होंने विन कर लिया था और ग्रीन नाड़ीज़ उनकी बॉडी में ग्रीन कलर के नाड़ीस दिखाई देते थे उसके बाद है ग्रीन नाड़ा तो ग्रीन नाड़ीज़ और फिर उन नाड़ीज़ को उन्होंने ठीक करने के लिए ग्रीन कलर का एक नाड़ा अपने हाथ पर और अपने पाँव पे बांध लिया था डोमेनिका और वो अपने डोम से बाहर नहीं निकलते थे उनको था कि कोई देखेगा तो बाहर चिढ़ाएगा तो डोम के अंदर ही अंदर रहते थे डोमानिका और एंड में जो है वो एंटिक गुआ एंड बारबुडा और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि वो ग्रीन नाड़ा क्लियर करके नाड़े से जो है उन्होंने सबरी नाड़ी इसको बांध दिया था और डोमेिका डोमानिका मतलब एक बहुत बड़े से डोम से सब लोग निकल रहे थे जिसमें एंटी गुआ एंड बारबूडा तो एंटीगोआ बहुत ही एंटिक एंटिक चीज़ें उन्होंने उसमें से प्राप्त की एंड देन सेंट किन्सेंट एंड नेविस तो जो एंटिक सामान था उसमें सेंट की बॉटल थी किड्स के लिए और नैवीज़ मतलब नेफ्यूज़ के लिए तो इस तरह से भी आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें 23 कंट्रीज मोटे मोटे और इन 23 कंट्रीज़ के बारे में हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई और इस बार हमने स्टोरी के साथ ही साथ आपको कंट्रीज़ के नाम भी बता दिए तो इट वॉज़ ईजी फॉर यू राइट तो ये पूरा एक कॉन्टिनेंट के सभी देशों के नाम करीब करीब याद करने में हमको पौने आठ मिनट आठ मतलब तो सात मिनट और छियालीस सेकेंड का समय हमको लगा है जिसमें हमने एक बार इसको रिवाइज भी कर लिया तो एक बार आप फिर से इमेजिन कर लीजिए और आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि यूएस घूमने गए थे वहाँ पे कैंथ उतरते एयरपोर्ट पे कैन लिया कैन स्टैंड फॉर कैनेडा कैन मैक्सिमम जूस भरा हुआ था तो मैक्सिको और वो मैक्सिमम जूस पी के जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले गोटे की मालाओं से लोगों ने स्वागत किया और हाथ में एक क्यूब दे दिया क्यूब लेके हम एक बड़े से डोम में घुसे डोम में हैट्स पहने हुए लोग घूम रहे थे एक हैट वाले आदमी ने होंडा गाड़ी स्टार्ट की कार को तो होंडू रास और फिर उसने कार का जो डोर था वो खोला तो अल्सिल्वा डोर और डोर खोलने के बाद नकारा गोआ तो उसने निकाला बाहर क्या निकाला नकारा गुआ जैसे उसने एक निक्कर को बाहर निकाला डोर को खोल के उसके ऊपर एक कॉस्ट लगी हुई थी कॉस्ट जो है वो फाड़ा टैग और उसने पजामे की जेब में रख दिया पजामे को बाद में कपड़े चेंज किए तो जमा के रख दिया जमाई का जमा के जिस जगह उसने रखा था उस जगह पर तीन दात बने हुए थे और वहाँ तंबाकू तो के निशान बने हुए थे तो उसने कहा कि आ, इसके लिए क्या करना चाहिए इसको कैसे क्लीन करें तो बह मास तो बारह मास भी सोच सकते हैं कि बारह मास हम किसी न किसी व्यक्ति को इस सफाई के लिए बुला सकते हैं या एक बार बह मतलब अगले देश का नाम है तो टबैको के बाद ब्रह्मास को हम जो है वो ब्राह्मण से भी लिंक कर सकते हैं कि वो जो टबैको थी वो किसी ब्राह्मण ने रख दी थी ऐसा भी सोच सकते हैं किसी ने भी रखी हो उससे मिलता जुलता नाम हम विजुलाइज कर सकते हैं इसके बाद में अगला है बैलीस तो जो टबैको है टबैको को एक किसी ब्राह्मण ने वहाँ से लिया लेकर के और बैलीस पड़ी थी उन बैलीस को भी वहाँ से उठाया और चल पड़ा रस्ते में एक बार की दुकान थी तो बार दोस्त वो बार बार उसका दोस्त था बारबर के यहाँ पे हमेशा एक छोटी सी डॉग बैठी रहती थी जिसका नाम लूसिया था सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनाडीज़ इसको थोड़ा सा हम कैसे लिंक करेंगे कि बारबर की दुकान में ल्यूसी बैठी थी तो ल्यूसी को तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे लेई या लूसी लुकी छिपी सी बैठी हुई थी और सेंट विंसेंट एंड दी द्रेनाडीज इसको हमें याद करने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लीजिए जैसे विंसेंट तो ऐसा सेंट जिसको लगाने से आदमी जीत जाए तो जो ल्यूसिया जो वो डॉग थी वो हमेशा हमेशा विन सेंट लगाती थी जिससे कि वो किसी की भी उसको जीत लेती थी विन सेंट तो विन कर देने वाला एक सेंट था उसके पास विनसेंट और इसके बाद अगली जो कंट्री है तो हमने ल्यूसी लूसी को क्या किया ल्यूसी ने मुंह से जो है एक सेंट की बोतल पकड़ ली ऐसे भी अपन विजुलाइज कर सकते हैं तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीज़ और उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है अगला जो देश का नाम है वो है ग्रीनाडा और इसको कैसे याद रखेंगे कि ग्रीन कलर की नाड़ीज़ हो गई थी और ग्रीन नाड़ा कैसे याद रहेगा ग्री ग्रीनाडा तो उन्होंने क्या किया नाड़ीज़ के ऊपर ग्रीन कलर का एक मोटा सा नाड़ा बांध दिया और वो जो नाड़ा था उसको दूसरी तरफ जो है वो एक डोम से बांध दिया बड़ा सा डोम था तो डोमिनिक का और डोम के बाद में जो है अगला वर्ड हमने देखा कि डोम के अंदर बहुत ही एंटिक और सामान उन्होंने सजाया हुआ है तो एंटिक हुआ एंड वॉरकोडा और उसके बाद लास्ट जो कंट्री है वो डोम के अंदर एंटिक चीज़ों को कौन देख रहा था कि वहाँ किड्स देख रहे थे और कुछ लोगों के नेफ्यूज़ भी वहाँ थे तो कंट्री का नाम है सेंट किड्स एंड नेवीज तो इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के सभी देशों के नाम आपको याद हो गए एक दो बार आप इस टेप को चाहें तो और भी सुन सकते हैं तो एसोसिएशनस कई बार जो आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा दिस इज़ वॉट वेन वेन आई रीड अ वर्ड पर नामा तो इट साउंडस लाइक अ पजामा और कॉस्टरिका जैसे कि कॉस्टैग है हो तो आप कुछ भी अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको बना सकते हैं पर दिस इज़ वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन मेक एनी लिस्ट वेरी क्विकली आप तेज़ी से उस लिस्ट को याद कर सकते हैं तो अभी हम थोड़ी देर बाद और प्रैक्टिस करेंगे कुछ और कंट्रीज़ के बारे में अब is chapter bas basitna please listen to this tape for one or two times more and then try to do it yourself god bless you happy learning chapter 49 now by this point you have done a lot of uh, principle and practices and this is the time when you need to practice and you need to understand how to practice and what to practice on everyday basis so, as you have learned, that to learn something quickly, you need to use both of your brains, left and the right brain, where your right brain is responsible for things like visualization, imaginations, music, art and craft, and your left brain is responsible for things like logic, association, calculation, mathematics, and reasoning. So, what we're going to do in this practice set is that uh, you know the law. The Law of Association and Visualization, you also understand this law that whatsoever is in our brain that is in form of some some kind of visual some kind of imagination uh, and second thing is all the visualizations and associations which you have stored in your brain in the form of memory they are interlinked they are associated to each other. तो दिमाग की ये सारी सूचनाएं जिस प्रकार की जो भी सूचनाएं हमारे भीतर हैं सब किसी न किसी विजुअल के फॉर्मेट में है सो दिस इज द काइंड ऑफ नेचुरल कोड और नेचुरल uh, भाषा है दिमाग की जिसमें दिमाग तेजी से काम करता है नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू पुट दिस प्रिंट सुपो इन टू प्रैक्टिस मैं आपको कुछ रैंडम वर्ड्स देता हूँ याद रखने के लिए एंड लेट्स ट्राई टू मेक अ स्मॉल स्टोरी आउट ऑफ दैट तो पहला शब्द है किंग लक्ष्मी के स्टोरी और आपने बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी कहानी में एक दिन एक राजा था सो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग दिस स्टोरी विद अंग एंड एज यूजल किंग ऑलवेज हैव सम्ड इन अ हैंड तो इस राजा के हाथ में इस किंग के हाथ में एक स्वर्ड था आयरन का स्वर्ड तो पहला शब्द हमने याद रखा किंग और दूसरा शब्द हमने याद रखा आयरन और आयरन से हमने विजुअलाइज किया आयरन की स्वॉर्ड राजा के हाथ में तीसरा शब्द है टेन मार्क्स मार्क्स हम याद रखना चाहते हैं टेन मार्क्स हमने याद रखा तो राजा ने आयरन की स्वर्ड से टेन मार्क्स जो है उसने ज़मीन पर बना दिए और ये टेन मार्क्स के बाद अगला शब्द हमको याद रखना है नॉर्थ और नॉर्थ से हम कल्पना कर सकते हैं कि वो सारे के सारे टेन मार्क्स नॉर्थ की तरफ इशारा करते थे नॉर्थ के बाद आपको अगला शब्द याद रखना है आइस नॉर्थ में चलते चलते आगे आइस का कोई बड़ा रेगिस्तान आ गया आइस के बाद अगला शब्द हमको याद रखना है स्वीट्स अब आप विजुलाइज कर पा रहे हैं आपने विजुलाइज किया होगा कि आइस uh, के उस रेगिस्तान को जब पार कर रहे थे तो उसके वहाँ पे कुछ लोग थे उन लोगों ने हमको स्वीट्स खाने को दिया तो आइस और आइस में स्वीट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो आइस आइस के बाद में स्वीट्स स्वीट्स के बाद अगला शब्द है फिनलैंड अफ लेट्स ए फिन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं और बहुत सारे फिन हैं तो हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं जैसे बच्चे अक्सर कार्टून मूवीज़ में देखते हैं कि किसी इंसान ने अचानक से स्वीट्स को खाया और स्वीट्स को खाते उसके दोनों तरफ जैसे मछली के फिन होते हैं उसके भी फिन उग गए इट इज़ लिटल फनी और आप अब तक जान चुके हैं जब भी हम किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं और वो थोड़ा अजीब हो वियर्ड हो फनी हो डिफरेंट हो तो दिमाग में जल्दी रजिस्टर होता है और लंबे समय तक ध्यान रहता है तो हमने स्वीट्स खाते ही फिन उगने की जो कल्पना है उसको तवज्जो दिया और ये हमारे दिमाग में एक विजुअल बन गया है तो स्वीट स्वीट के बाद क्या हुआ कि फिन आ गए दिमाग में फिन के बाद आपको अगला जो शब्द याद रखना है वो याद रखना है ऐसे तोड़ दिया ऐसे तोड़ दिया तो उस व्यक्ति को जब फिन हो गए तो उसे अच्छा नहीं लगा कि अरे यार मैं तो बछली क्यों होने चाहिए मुझे क्यों उग गए तो उसने ऐसे तोड़ दिया एक फिन को ऐसे तोड़ दिया वंडरफुल तो ये भी हमें याद हो गया दूसरी तरफ का फिन वो तोड़ नहीं पा रहा था उसने अपने दोस्त से मदद मांगी और दोस्त ने उसको लात से तोड़ने की कोशिश की तो दोस्त ने उसे लात दिया उस फिन के ऊपर लात दिया और जब लात दिया तो थोड़ा सा निशाना चूक गया लात जो है वो फिन पे नहीं लग के पीठ पे लगी पीठ पे लगते वो सामने कीचड़ था उसमें जा गिरा तो लथपथ हो गया कीचड़ में नहाने के लिए पानी चाहिए था लेकिन अवेलेबल नहीं था बेल का बहुत सारा रस जो है वहाँ पड़ा था उसी को बेल के रस में डुबके लगा लगा के वो नहाया वहाँ बेल का रस इकट्ठा कर रहे थे बहुत सारी क्रेन जो है वो बेल का रस उठा उठा के वहाँ ला रही थी डब्बे के डब्बे तो अगला शब्द बेल के रस के बाद है क्रेन एक क्रेन थी जो बेल के रस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी बड़े बड़े किसी तरह की चीज़ों में दे 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 तो यूक्रेन और यूक्रेन के बाद जो अगला है वो है मालडोवा ये जो क्रेन है वो माल ढोती थी एक जगह से दूसरी जगह के बीच में तो हमको माल ढोना जो है अगला शब्द याद रखना है इसके बाद हमें याद रखना है कि माल ढोके और वो ड्राइवर थोड़ा सा थक गया था आपको याद रखना है स्लो वॉक किया उसने स्लो स्लो वॉक किया ऐसे हम याद रख सकते हैं और इसके बाद में क्योंकि स्लो स्लो वॉक करके वो बहुत दूर तक गया तो उसे भूख लग गई तो अगला शब्द आपको याद रखना है हंगरी मैंने अभी पंद्रह शब्द एक के बाद एक मैंने आपको बोले और उम्मीद करता हूँ कि करीब करीब ये सारे पंद्रह शब्द आपको याद होंगे जरा एक बार क्विकली दोहराने की कोशिश करते हैं सबसे पहला शब्द था किंग किंग के हाथ में क्या था आयरन आयरन से हमने क्या याद किया था कि उसने टेन मार्क्स बना दिए थे वो मार्क्स नॉर्थ की तरफ इशारा करते थे नॉर्थ में बहुत सारी आइस थी आइस में स्वीट्स को खाया था स्वीट्स खाने से फिन उग गए थे फिन को ऐसे तोड़ दिया था दूसरी तरफ के फिन को तोड़ने के लिए लाद दिया था लाद देने के बाद हमने किया था कि वो लथपथ हो गया लथपथ होने के बाद बेल के रस से नहाया बेल का वो रस क्रेन लेके आ रही थी और क्रेन में माल को ढोते थे और माल्ड होने के बाद अगला था कि वो व्यक्ति माल्ड होने के बाद नीचे उतरा और स्लो स्लो उसने वॉक किया और स्लो वॉक करके और वो काफ़ी दूर गया तो उसको भूख लग गई ही वॉज हंग्री तो हमने ये छोटी सी कहानी बनाई जिसमें हमने पंद्रह शब्दों को इस्तेमाल किया चलिए हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि कितने शब्द हम एक साथ याद रख सकते हैं जब उसे भूख लगी तो उसने जाके एक पोलो की गोली जो है वो ले ली ठीक है और पोलो की बहुत सारी गोलियां इसने खरीदी पैसे नहीं थे तो दुकानदार को उसने एक चेक दे दिया और चेक दे करके और ये चल पड़ा तो रास्ते में इसने वो वो अपन को ऐसे विजुलाइज़ करना है कि जिस दुकानदार को चेक मिला दुकानदार ये चेक लेके गया और जाके उसने लीची ख़रीद ली दुकानदार ने चेक आगे दे दिया और उसने लीची खरीद ली उन लीची के ऊपर जर्म्स थे उन जर्म्स को मारने के लिए किसी ने कहा कि इसको ओस में धोना चाहिए ओस आप समझते हैं ना ड्यू ड्रॉप्स तो जो ओस की बूंदें होती हैं किसी ने कहा कि जम्स को मारने के लिए ओस की बूंदें बहुत पवित्र बूंदें होती हैं उनमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप उस ओस में इसको धो लो लीची को तो सारे जम्स मर जाएंगे और ओस उस में उसको धोया ओस उस जो है वो बहुत ही आ, स्वीट थी तो उसको बड़ी आ, बहुत ही अच्छी लगी और वो ओस जो है वो जो पूरा का पूरा लैंड था या आप ऐसा सोच सकते हो कि ओस की कुछ बूंदें जैसे मुंह में लेते थे बड़ी स्वीट स्वीट लगता था और इसी स्वीट के बाद जो अगला शब्द है कि जो भी उसको खाता था उस स्वीट ओस की बूंदों को वो बस उड़ने लग जाता था फर 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 उड़ के और दूसरी जगह चला जाता था उसके बाद अगला शब्द है मोनाको तो जो फर 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 उड़ के बहुत दूर चला गया और वो बंदा नीचे उतरा या वो पक्षी नीचे उतरा तो उसको लगा कि अब क्या करूँ तो उसने माल्टा खाया माल्टा एक तरह का फ्रूट होता है जैसे ऑरेंज है मौसमी है संतरा है उसी तरह का फ्रूट है माल्टा तो उसने माल्टा खाया एक खाया दो खाया तीन खाया चार खाया दस खाया पचास माल्टा उसने खाया उसने कहा वा नाउ आई एम फुल इतने में उसका एक फ्रेंड आ गया उसने कहा यार लेट्स गेट रेडी उसने कहा क्या हुआ कि वो मैरी के सन की शादी है ना उसमें जाना है तो सन की शादी किसके सन की शादी है मैरी के सन की शादी है? है तो उसमें जाना है तो क्या कहाँ पर है शादी क्या वो तो सिटी में है सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं अपना चल 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 जल्दी से तैयार हो जा और वो मैरी के सन की शादी में सिटी चले गए सिटी में जाके उन्होंने देखा क्या खाना चाहिए बहुत सारे पकवान बने थे पर दे डिसाइडेड कि हमको इडली खाना है तो इडली उन्होंने खाने का मन किया इडली के लिए उन्होंने कहा कोई बर्तन लेके आए वो एक बड़ा सा कटोरा लेके आए और कटोरे में इडली डाली और डाल करके पूरी की पूरी एक साथ ही इडली को उन्होंने अपने मुंह में रख लिया और पूरी साबुत इडली रखने की वजह से उनका गाल जो है वो फूल गया और उस गाल में पेन होने लगा तो पेन मैंने एक बार फिर से पंद्रह शब्द आपसे कहे उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर शब्द आपको याद होंगे एक बार आप रिपीट करके देखिए क्या आपको सचमुच इस बार के पंद्रह शब्द याद हैं हंगरी मैंने आखिरी शब्द बोला था पिछले बार के पंद्रह शब्दों में वो हांगरी हो गया था आदमी भूख लगी थी उसे भूख लगी तो उसने क्या खाया पोलो की गोली खाई खरीदी अपने लिए पोलो की गोली जब उसने खरीदी तो उसके लिए उसने चेक दिया चेक दिया तो क्या हुआ चेक के बाद अगला शब्द क्या था दुकानदार ने उस चेक को आगे देके लीची खरीदी लीची पे जम्स थे जम्स को ओस की बूंदों से धोया ओस की बूंदें बहुत बहुत स्वीट थी वो स्वीट स्वीट चीज़ें खा कर के आदमी फरफर उड़ने लगा और फरफर उड़ करके और बहुत दूर चला गया ऐसा सोचो फरफर उड़ के वो फ्रांस ही चला गया और वहाँ जाके उसने मोने को बिस्किट खाए और मोने को बिस्किट खाने से भी उसको लगा कि भूख मिटी नहीं है तो उसने बहुत सारा माल्टा खाया एक खाया दो खाया तीन खाया बहुत सारे माल्टा खाया और माल्टा खाने के बाद वो तसली से बैठा था इतने में उसका फ्रेंड आ गया कि चल अपन तो मैरिज में चलते हैं मैरी के सन की मैरिज है तो वो सन के मैरिज के लिए जाने लगा तो उसने कहा कि कहाँ है मैरिज तो सिटी में है और सिटी में सब लोग वेट कर रहे हैं और जैसे वो सिटी में मैरिज में पहुँचे वहाँ देखा खाने में इडली बनी हुई थी और उस इडली को उन्होंने एक कटोरे में लिया खाने के लिए कटोरा कटोरे को में से इडली को उठाया और सीधा गाल में दबा दिया तो ये हमारा अगला वर्ड हो गया गाल और गाल में क्योंकि अचानक से खा गया तो पेन होने लगा तो पेन तो मैंने आपको थर्टी वर्ड्स अभी तक बोल दिए अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े से और कुछ शब्द मैं आपको बोल दूँ थर्टी वर्ड्स के बाद अगला मेरा शब्द है जैसे उसे पेन होने लगा तो उसे लगा कि आह अब क्या करूँ डॉक्टर के पास जाता हूँ जाके उसने डॉक्टर के घर की बैल बजाई तो अगला शब्द है बैल डॉक्टर ने उसको घर के अंदर लिया और एक लग्जरी से सोफा पे सुला दिया तो एक लग्जरी बर्थ के ऊपर उसे सुला दिया लग्जरी बर्थ पे सोते ही उसको हाँ हाहा आराम मिला आराम मिलता है उसको नींद आ गई और जैसे उसे नींद आ गई वो सो गया जब उसकी आँख खुली तो वो एक कमरे में था उस कमरे के फर्श के ऊपर ग्रीस पड़ा हुआ था उसने देखा कि उस काले काले ग्रीस में से एक सांप जो है जिसे हम सर्फ भी कहते हैं वो एक बिल्कुल काला ग्रीस था और उसमें से उसके पास से एक सर्प जो है वो जा रहा था वो सर्प जाता 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 एक बैलगाड़ी में गिर गया और वो जो बैलगाड़ी थी तो उस बैलगाड़ी का जो बैल था वो गाना गा रहा था यू कैन इमेजिन लाइक दिस तो वो जो बैल है वो चलता चलता उस गाड़ी को खींच के और एक बॉस के घर में ले गया वो बॉस बड़े आदमी थे वहाँ के दादा टाइप और uh, वो जो है बॉस के घर ले गया बॉस के घर पे उसने एक अजीब सी बात ये देखी कि बहुत सारे कवे थे वहाँ पे देर वर लॉर्ड ऑफ क्रो तो बॉस के बाद आपको क्रो याद रखना है और आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे जनरली कुछ विलन लोग हाथ में ईगल को रखते हैं वैसे ही आदमी क्रो को रखता था क्रो और इस क्रो वाले वो आदमी ने उसको अपने क्रो को अपने हाथ से बॉस ने उड़ाया तो ये क्रो उड़ के और अगला वर्ड आपको याद रखना है बनिया एक बनिए के सर पे जाके बैठ गया वो बेचारा बनिया उसे बार बार उड़ाए वो फिर जाके उसके सर पे बैठ जाए फिर बनिया ने एंड में डिसाइड किया वो भागा और जाके अपनी मर्सिडीज में जाके बैठ गया और फिर उसने मर्सिडीज़ को चलाया और सड़क पे ट्रैफिक था उसके आगे स्लो स्लो करके एक वैन चल रही थी और उसने सोचा कि इस वैन वाले को बोलूँ कि भाई तुम जल्दी जल्दी चलाओ तो वैन के अंदर मोटे मोटे निगरों बैठे हुए थे उनको देख करके उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और उनको कुछ नहीं कहा तो दैट्स इट मैंने अभी तक आपको 43 वर्ड्स बोले हैं और हमको अभी बात करते हुए 12 मिनट और 30 सेकंड हुए हैं 12 मिनट 30 सेकंड में मैंने आपको 43 वर्ड्स जो हैं बोल दिए हैं तो आप इसको यूँ समझें लगभग लगभग तीन से चार शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से हमने किया है और मुझे उम्मीद है कि करीब करीब सारे शब्द आपको याद होंगे एक बार तेजी से हम इन शब्दों को रिवाइज करते हैं मोटे मोटे निगरों कहां बैठे थे स्लो चलती हुई वैन में बैठे थे स्लो वैन के पीछे क्या था मर्सिडीज़ था मर्सिडीज़ में कौन आके बैठा था बनिया आके बैठा था बनिया के पास कौन आया था क्रो आया था क्रो किसके हाथ पे बैठा था बॉस के हाथ पे बैठा था बॉस के घर में कौन आया था कि एक बुल आया था गाना गाता हुआ बुल उसके घर में घुस गया था बुल की बैल गाड़ी में क्या गिर गया था सर्प गिर गया था सर्प किसके पास से कि वो ग्रीस फर्श पे फैला हुआ था उसके पास से निकला था वो ग्रीस कहाँ फैला हुआ था रूम में फैला हुआ था रूम में क्या था कि एक नींद आ गई थी किसी को नींद किस पे आ गई थी लग्जरी बर्थ पर आ गई थी कैसे आई थी कि बैल बजाने से डॉक्टर ने घर खोला था और सुला दिया था बैल क्यों बजानी पड़ी क्योंकि पेन हुआ था पेन कब हुआ था जब गाल में हुआ था और गाल में क्यों हुआ था क्योंकि वो इडली पूरी की पूरी उठा के दबा ली थी इडली किस में डली हुई थी कि कटोरा में डली हुई थी कटोरा और ये इडली कहाँ खा रहे थे कि सिटी में खा रहे थे सिटी में क्या था कि सन के मैरिज थी मेरी uh, के सन की मैरिज थी और मैरिज में गए थे और क्या खा के गए थे कि बहुत सारा माल्टा खा के गए थे और मोनेको बिस्किट खाए के गए थे मोनेको बिस्किट कहाँ से खरीदे थे कि फ़्रांस में खरीदे थे फ्रांस कहाँ से आए थे कि फ़्रांस फर 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 उड़ के आए थे वो स्वीट स्वीट ओस खाई थी और वो ओस जो है उसमें सारे जम्स मर गए थे जो कि जम्स लीची के ऊपर लगे हुए थे लीची जो है वो चेक दे एक दुकानदार ने खरीदी थी जिस दुकानदार ने पोलो की गोलियाँ बेची थी और पोलो की गोलियाँ तो वो पोलेंड हो गया चेक और चेक से पहले क्या था जरा सोचिए ये चेक किसने दिया था एक हंगरी आदमी ने दिया था जो स्लो स्लो वॉक कर रहा था और उस आदमी क्या चलाता था एक माल होता रहता था अपनी क्रेन से और उसकी क्रेन जो है वो बेल का रस इधर से उधर लेके जा रही थी उस रस में एक लथपथ हुआ हुआ आदमी नहाया था और वो लथपथ हो गया था क्योंकि लाद दिया था उसके फ्रेंड ने और वो उसके फिन पे नहीं लग के पीठ पे लग गया था और उसको दूसरी तरफ का फिन ऐसे तोड़ दिया था उसने और फिर वो फिन जो है उग गए थे और क्यों उग गए थे फिर अपने आप से पूछिए क्योंकि आ, स्वीट्स खाली थी स्वीट्स कहाँ थी कि आइस में थी आइस कहाँ थी तो नॉर्थ की तरफ चले थे तो आइस थी और नॉर्थ की तरफ क्यों गए थे कि वो टेन मार्क्स थे उनको देख करके नॉर्थ की तरफ गए थे और टेन मार्क्स से पहले क्या था किस चीज़ से बनाए थे मार्क्स के आयरन से बनाए थे और आयरन से कौन बना रहा था कि किंग उसको बना रहा था फोर्टी थ्री वर्ड्स यू हैव डन दो मिनट तीस सेकेंड में हमने इन सारे वर्ड्स का भी रिविजन किया है तो ये हमने किया और आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से सारे शब्द आपको याद हो गए अब आप एक बार इस ऑडियो को रोक के एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं बाकी मैं आपसे बीच में से अचानक से पूछ लूँ कि कौन से वर्ड के बाद क्या था जैसे मैं आपसे पूछूँ कि फिन के बाद क्या था तो आपको ध्यान करना होगा कि फिन का मैंने क्या किया था मैंने उसे ऐसे तोड़ दिया था वेरी गुड बहुत अच्छा किया तो ऐसे तोड़ दिया आ, याद आ गया आपको तो आप बताइए कि हंगरी की बात क्या था कि भूख लगी थी तो क्या खाया था पोलो की गोली खाई थी याद आ गया आपको अच्छा मोनेको से पहले क्या था कि मोनेको बिस्किट फर फर करके फ्रांस में गए थे फ्रांस में मोनेको के बिस्किट खरीदे थे मोनेको के बिस्किट के बाद क्या था कि वो माल्टा खाया था माल्टा के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारा माल्टा खा के कहा था कि सन के वो मैरी के सन की शादी थी और शादी में क्या खाया था कि इडली खाई थी कटोरे में रख के खाई थी पूरी इडली गाल में फंसा ली थी तो गाल में दर्द हो गया था पेन हो गया था पेन हुआ तो किसके पास गए डॉक्टर के पास गए तो आप इस पूरी लिस्ट को उल्टे क्रम में सीधे क्रम में बीच में से किसी भी तरह से आप दोहरा सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की उटपटांग सी फनी स्टोरी बनाने की भला आपको क्या जरूरत पड़ी माय आइडिया इज़ वेरी सिंपल ये कहानी आपने अभी सुनी बारह साढ़े मिनट में आपने इस कहानी को ख़त्म किया इसके साथ ही आखिर आपने क्या अचीव किया अभी ज़रा उसके बारे में बात करते हैं ये था अभ्यास करना आपने जाना कि एसोसिएशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है और फिर मैंने कहा था आपको अभ्यास करना है कुछ भी रैंडम वर्ड्स आप पिक करिए उनकी स्टोरी बना के देखिए कितना आपको टाइम लगता है कितनी देर में कितने वर्ड्स आप एसोसिएट कर सकते हैं इस अभ्यास को लगातार चेक करते जाइए जब आपका अभ्यास हो जाए तो उसके बाद आपको चौथी चीज़ पर आना चाहिए एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन जो आपने सीखा उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है उससे आपकी पढ़ाई में कैसे हेल्प हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन और लेट्स uh, इम्प्लीमेंटेशन में uh, हम आपसे कहते हैं कि आपको इस टेक्निक के इस्तेमाल से वर्ल्ड के कंट्रीज़ के नाम याद करने हैं। और मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड के कंट्रीज़ में आप यूरोप के सभी देशों के नाम याद कर लीजिए कितना टाइम लगेगा आपको बताइए ओके okay. <laughs> आप एक बार सुन के एक बार पढ़ के उसे कर लेंगे पर उसका भी एक आसान तरीका है अपनी आंखें बंद करिए और बोलिए हो गया करके देखिए आंखें बंद करिए और खुश हो जाइए और बोलिए हो गया हाँ बस इतनी देर बहुत है और ऐसा कहने मात्र से यूरोप के सभी देशों के नाम आपको याद हो गए यूरोप के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब देशों के नाम आपको याद हो गए आपको मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना दैट्स गुड आई लाइक इट तो अभी अभी आपने यूरोप के सारे के सारे देशों के नाम याद कर लिए हैं और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है मेरी बात पर कि याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ ये जो स्टोरी हमने बनाई थी ये यूरोप के 43 कंट्रीज़ के नामों के बारे में थी सबसे पहले हमने किंग के बारे में सोचा था किंग स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम उस किंग के हाथ में क्या था आयरन आयरन की स्वॉर्ड थी तो आयरलैंड उस आयरन से उसने मार्क्स बनाए थे टेन मार्क्स दैट इज डेनमार्क वो टेन मार्क्स किस तरफ इशारा करते थे नॉर्थ की तरफ तो नॉर्वे नॉर्वे के बाद में वो नॉर्थ की तरफ गए तो क्या मिला आइस मिली आइसलैंड आइस में क्या रखा था स्वीट्स रखी थी स्वीडन आइस को खाते क्या हो गया था फिन उग गए थे तो फिनलैंड वो फिन को उग गए तो उन्होंने कहा क्या करें कि ऐसे तोड़ दो एसतोनिया ऐसे उसे तोड़ दिया एसतोनिया और जब ऐसे तोड़ दिया तो दूसरी तरफ का जो कंट्री है उसका नाम है लातविया तो आपको ध्यान हो गया दूसरा फिन तोड़ने के लिए लाद दिया था उसके बाद अगला कंट्री है लुवानिया तो वो लाद देते ही निशाना चूका और लथपत हो गया तो अगले कंट्री का नाम था लुवानिया उससे अगले कंट्री का नाम क्या था अब आपको याद आ रहा है कि वो लथपत हो गया तो, तो नहाने के लिए बेल का रस का इस्तेमाल किया था तो बेलारूस बेलारूस के बाद बेल का रस ला के रह थे क्रेन से लाग रहे थे अगला कंट्री है यूक्रेन और फिर क्रेन से क्या क्रेन क्या काम करती थी कि माल ढोती थी माल्ट हो माल्ट होकर के फिर क्या हुआ कि ड्राइवर नीचे उतरा और स्लो स्लो वॉक किया तो स्लो वॉक किया कंट्री का नाम है स्लो वॉक किया और स्लो वॉक करने से उसको क्या लगी भूख लगी तो हंगरी भी कंट्री का नाम है और उसके बाद में उसने क्या किया पोलो की दवाई पोलो की गोली खाई तो पोलैंड और पोलेंड के बाद अगला क्या है कि पोलो की गोली उसने खा ली और उसने बदले में पैसे की जगह चेक दिया तो चेक रिपब्लिक चेक के बाद अगला क्या है चेक लेकर के दुकानदार ने लीची खरीदी लिचितीन और वो तीन लीची खरीदी लिचस्तीन और तीनों पे जर्म्स थे जर्म्स को धोने के लिए ओस से धोया तो ऑस्ट्रिया और उस ओस की जो बूंदें थी वो बहुत मीठी थी बहुत जोरदार थी तो स्वीट स्वीट बूंदें थी इससे हमने कहा स्विट्ज़रलैंड और इन स्वीट स्वीट बूंदों के बाद क्या हुआ कि ये स्वीट स्वीट बूंदें खा के फिर फर फर उड़ गए और फ्रांस पहुंच गए तो अगले कंट्री का नाम है फ़्रांस फ्रांस में क्या खाया था मोने को बिस्किट खाया तो मोने को कंट्री का नाम है और मोने को बिस्किट खा के क्या हुआ कि माल्टा भी खा लिया बहुत सारा तो माल्टा भी कंट्री का नाम है और उसके बाद क्या हुआ माल्टा के बाद जो अगला है वो है आ, कि उसने कहा कि अब क्या करें कि सैन की मैरिज में चलते हैं मेरी के की उसमें चलते हैं सैन मैरिनो और उस कंट्री का नाम है सैन मैरिनो माल्टा खा के मैरी के सन की शादी में गए थे सैन मैरिनो और उसके बाद में है वेटिकन सिटी क्योंकि वहाँ सिटी में सब वेट कर रहे थे वेटिकन सिटी सिटी के बाद अगला वर्ड क्या था अब आप कहेंगे सिटी में जब शादी में पहुँचे तो इडली खाई थी तो इटली शब्द है उसको कटोरे में खाया था तो अंडोरा और अंडोरे के बाद में पूरे को पूरे को कटोरे में से इडली को उठाए गाल में डाल लिया था तो पुर्चुगाल और गाल में पेन होने लगा तो स्पेन पेन से बचने के लिए ठीक करने के लिए डॉक्टर की बैल बजाई घर जाके तो बेल्जियम डॉक्टर ने उसको लग्जरी बर्थ पे लिटा दिया लग्जम्बर्ग उसे नींद आ गई नीदरलैंड्स आंखें खुली रूम में तो रोमानिया और रूम के फर्श पे ग्रीस पड़ा था तो ग्रीस उसके पास से सांप निकला सर्प निकला तो सर्बिया और ये सर्प एक बैल की गाड़ी में जा गिरा जो बैल गाना गा रहा था बुलगारिया बुलगारिया ये बुल गाता हुआ बॉस के घर चला गया बॉसनिया हर जे गोविना और बॉस जो है वो अपने घर में कौवों को पालता था क्रोएशिया उनमें से एक कौवा जो है उड़ कर के और बनिया के ऊपर जाके बैठ गया तो अल बानिया बनिया भाग के अपनी मर्सिडीज़ में छुप गया तो मर्सडोनिया मर्सिडोनिया के बाद अगला कंट्रा जब मर्सिडीज़ को वो तेज़ी से चला रहा था तो, तो सामने एक स्लो स्लो वैन चल रही थी इसकी भी स्पीड कम हो गई स्लो स्लो वैन से है स्लोवेनिया और इस स्लो स्लो चलने वाली वैन के अंदर जो है वो मोटे मोटे निग्रो बैठे हुए थे तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे मॉन्टे निगरो तो ये इस तरह से हमने यूरोप के सभी 43 कंट्रीज़ के नाम याद कर लिए और इस पूरे प्रोसेस में रिविजन में सब में हमको करीब बीस बाईस मिनट का समय लगा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप दिमाग के इस खास विजुलाइजेशन और एसोसिएशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप बहुत सी चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं याद रख सकते हैं आप जरा इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए अभी 20 मिनट में लगभग आपने यूरोप पूरा याद कर लिया है और दुनिया में इसी तरह से यूरोप हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका एशिया, छः बड़े कॉन्टिनेंट्स और इसमें देश हैं तो अगर आप सारे को याद रखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में तो आपको 10-10 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा नहीं एशिया अफ्रीका थोड़ा बड़ा है तो अगर हम सबको भी मिला के देखें तो लगभग लगभग दो तीन घंटे के अंदर अंदर वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ और उनके कैपिटल आप सहजता से आसानी से सरलता से याद कर सकते हैं सो इट वॉज गुड जॉब एंड स्टिल इफ आफ्टर लिसनिंग इट वांस अगर आप 50 परसेंट भी कर पाते हैं 40 परसेंट भी कर पाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और अगर उससे ज़्यादा आप एसोसिएशन को याद रख पाते हैं स्टोरी को याद रख पाते हैं दिस इज़ रियली वंडरफुल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड आई होप यूरोप को हमने आपको याद कराया हम दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज़ के एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर करेंगे पर uh, आप भी बहुत सारे की दूसरी चीज़ें जीके की किताबें उठा के लिस्ट और वो सब के ऊपर प्रैक्टिस करें नियमित रूप से आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल हैव ए वेरी वेरी हाई स्पीड और बहुत ही तेज़ी से सुनने मात्र से ही आप चीज़ों को या पढ़ने मात्र से ही आप चीज़ों को याद करना शुरू कर देंगे स्पेशली किसी भी तरह के वर्ड्स को और किसी भी तरह की लिस्ट को थैंक यू सो मच टू लिसन मी पेशेंसफुली गॉड ब्लेस यू कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग बाय chapter 52 practicing law of visualization and association this is one of the very powerful law and the more you practice more natural it becomes so by now we have done three continents of the world by practicing this technique europe north america south america now we are trying asia so just to start in asia we'll start with our own country india सो so, सबसे पहले इंडिया के बारे में लेट्स इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग होल एशिया तो इंडिया में हैं और इंडिया से हम पाकिस्तान चले गए सो दीज टू कंट्रीज इजीली यू कैन डू पाकिस्तान से फिर हम अफ़ग़ानिस्तान चले गए एक बड़े से अफ़ग़ान व्यक्ति के साथ और ये अफ़ग़ान व्यक्ति जो है आगे हमको कुछ और कंट्रीज़ में घुमाने के लिए लेके गया अफ़गानिस्तान के जस पास में एक दूसरा देश जिसका नाम है उच्च बेकिस्तान और उच्च बेकिस्तान में सभी लोग उचक रहे थे उचक उचक के कुछ बातें कर रहे थे उचक उचक के वो कुछ लोग खेल रहे थे तो अजीब सा लगा तो कहा कि ये देश है उच्च बेकिस्तान ध्यान से देखा तो पता चला कि उचक उचक के ये लोग जो है वो काजू खा रहे थे और अगले देश का नाम है कजाकिस्तान ये सारा काजू ये लोग कजाकिस्तान से मंगवाते थे और ये उचक उचक कर जो है वो काजू खा रहे थे कजाकिस्तान काजू बहुत ही ताज़ा था और बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल के जैसा था बिल्कुल ताज़ा ये था और इसीलिए इसका नाम जो है वो ताज़ा काजू कहाँ से आ रहा तो ताज़ा शब्द से आप याद रख सकते हैं तजाकिस्तान और तजाकिस्तान के बाद में अगला है कि ताज़ा ताज़ा वहाँ पे कुछ खाना बना हुआ था और सब लोग खाने खाना जैसे शुरू किया और तर, तजाकिस्तान से आपको ध्यान आना चाहिए जैसे वो ताज़ा सा चीज़ उन्होंने मुंह में खाने के लिए रखी उसमें एक किरकिरी आ गई किरकिरी समझते हैं ना आप कि कुछ पत्थर का छोटा सा टुकड़ा या कुछ मिट्टी जैसा तो ताज़ा ताज़ा चीज़ खाई और खाते उसमें किरकिरी आ गई तो उसे अगला देश का नाम है किर्गिस्तान और बाद में ये जो किरगिरी थी वो किसी एक तुर्क व्यक्ति के खाने में आई थी तो तुर्कमेनिस्तान तुर्क व्यक्ति आपने मूवीज़ में टेलीविजन में देखा होगा काफ़ी लंबे तगड़े लोग तो तुर्क मेनिस्तान जो है उससे हम इमेजिन कर सकते हैं फिर ये जो तुर्क व्यक्ति है इसको लगा मुंह में किरकिरी आ गई है तो थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया चल के रस पी के आते हैं और ये रस पीने के लिए रशिया चला गया रशिया में उसने खूब सारा रस पिया और फिर सोचा चलो थोड़ा घूमते हैं तो ताई का वाहन इसने ले लिया ताइवान से ताई का वाहन ताइवान से इसने ये ले लिया और साथ ही साथ ताई के वाहन में बहुत सारे मैंगो जो है वो इसने रखवा लिए तो मंगोलिया बहुत सारा मैंगो जो है इसने मंगवा लिया तो मंगोलिया और वो मैंगो ले करके और चल पड़ा उसका आइडिया था कि रस्ते में मैंगो से थोड़ा मैंगो शेक, शेक बना लेंगे जब वो मैंगो से मैंगो शेख बनाने लगा तो उसे लगा कि चीनी तो मैं लाया नहीं तो वो मंगोलिया मंगोलिया से मैंगो ले लिया और वहाँ से वो चीनी लेने के लिए चाइना चला गया जब वो चाइना पहुंचा, तो उसने चीनी ले ली और उसने कहा कि अब क्या करूं? चीनी डालने के लिए कोई बर्तन नहीं है तो उसने कहा कि आ, किसी कोरे कागज़ में पैक कर लो चीनी तो, तो कोरा कागज़ जो है उसने दो कोरे कागज लिए एक कोरा कागज आ, एक किसी साउथ वाले व्यक्ति से लिया एक नॉर्थ वाले से लिया तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दोनों कागज़ों में चीनी को उसने लपेटा और फिर वो अपने बंगले में चला गया ये बंगला उसका बांग्लादेश में था और बंगले के बाहर एक पहरेदार था जो कि नेपाली व्यक्ति था तो आप नेपाल की जो याद दिलाता था ये नेपाली आदमी जो है इसके बाद अगला शब्द या अगले जो देश का नाम है वो हमें याद रखना है श्रीलंका तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये नेपाली लोग जो है वो एक दिन जो रावण दहन है दिवाली का टाइम था और ये नेपाली व्यक्ति अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ रावण दहन का प्रोग्राम देखने के लिए लंका चला गया श्रीलंका और श्रीलंका में लोगों को देखा उसने कि रावण दहन के बाद सारे लोग जो हैं वो भुट्टा खा रहे थे तो लंका में सब लोग भुट्टा खा रहे थे और भुट्टा खाते खाते फिर ये वापस घूमने के लिए निकल पड़ा भूटान के लिए भूटान से उसने भुट्टे खा कर के और भुट्टों को उसने खुद ने भी खाया और फिर उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है भुट्टों का तो उसने दूसरे लोगों को भी भुट्टे बना बना के बना बना के बेचना शुरू कर दिया और उससे उसने बहुत सारा माल कमा लिया और एक द्वीप खरीद लिया तो माल कमा, कमा के और एक द्वीप खरीद लिया तो माल द्वीप्स ऐसे भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं आ, इसके बाद अब तक के जितने भी कंट्रीज़ हैं करीब 19 कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको बताए एक बार तेज़ी से आप सोचिए सबसे पहले इंडिया से निकले इंडिया से पाकिस्तान गए पाकिस्तान से अफगानिस्तान अफगानिस्तान से बाहर जैसे निकले तो कुछ लोग उचक 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 के कुछ कर रहे थे उजबेकिस्तान और उचक उचक के आपने ध्यान से देखा तो वो काजू खा रहे थे कजाकिस्तान से जो आया था और ये कजाकिस्तान का जो काजू था बहुत ही ताज़ा था तजाकिस्तान में ये प्रोसेस होता था और तजाकिस्तान में जब ताज़ा ताज़ा खाने की चीज़ कोई आदमी खा रहा था तो उसके मुंह में एक किरकरी आ गई थी किर्गिस्तान से उड़ के आने वाली रेत के साथ और ये किरकरी जैसे उसने खाई ये एक तुर्क आदमी था इसको अच्छा नहीं लगा इसने खाना बीच में छोड़ दिया उसने कहा कि चलो रस पीने के लिए रशिया चलना चाहिए वहाँ अच्छा रस मिलता है और वो रशिया पीने के लिए रशिया रस पीने के लिए चला गया और रशिया में फिर जो है उस व्यक्ति को लगा कि अब थोड़ा घूमने चलते हैं रस पीने के बाद उसने ताई का वाहन उठाया ताइवान और बहुत सारा मैंगो उसमें मंगवा लिया मैंगो रखवा लिया ताई के वाहन में मंगोलिया वहाँ से च, मैंगो शेक बनाने के लिए चीनी चाहिए थी वो लेने के लिए चाइना चला गया था बर्तन था नहीं तो कोरे कागज में उसने ली और कोरे कागज़ से इसने दो कागज लिए एक सॉर्थ साउथ से और एक नॉर्थ से तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और कागज ले फिर एक बंगले में घुस गया ये बंगला बहुत बड़ा सा बंगला था जिसका नाम था बांग्लादेश और वहाँ पे एक चौकीदार था तो एक क्यों आप दस चौकीदारों की कल्पना कर लो सभी नेपाल के रहने वाले थे तो नेपाली लोग थे तो नेपाल की याद आती है और ये लोगों को जब छुट्टी हुई तो उन्होंने कहा चलो श्रीलंका चलते हैं रावण दहन देख के आएंगे और ये सब मेला देखने के लिए श्रीलंका चले गए वहाँ पर सब भुट्टा खाया भूटान और भुट्टा खाना इनको पसंद आया मज़ा आया तो उन्होंने भुट्टे का बिजनेस शुरू कर दिया और बहुत सारा माल उससे बनाया मालदीप्स और इसके बाद बहुत सारा माल लेके इन्होंने क्या किया तो अगला कंट्री का नाम है इंडोनेशिया बहुत सारा माल बनाने के बाद इन्होंने इंडिया और एशिया के अंदर बहुत सारी घुमाई की इंडोनेशिया अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं और इसके बाद में या इंडोनेशिया इंडोर है ना इंडोर इन्होंने बहुत ऐश किया इंडोनेशिया इंडो इंडोर में इन्होंने बहुत ऐश किया बहुत मस्ती की फिर फिलीपींस लेकिन इसके बाद फिलीपींस तो इंडोर में बहुत सारी पिन छोटी छोटे 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 पिन बहुत सारी फैल गई तो आप सोच सकते हैं फिलीपींस के बारे में और फिलीपींस के बाद अगला कंट्री का नाम है वियतनाम तो वियतनाम को हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि बहुत सारी पिंस थी उन पिंस को इकट्ठा किया और वियतनाम वी के शेप में किसी का नाम लिख दिया वी बना के और उसका नाम लिख दिया बहुत सारी पिंस ली पिंस को आप कल्पना करिए थोड़ी 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 लगा के पिंस की मदद से बहुत बड़ा सा वी बनाया और वो वी बना के उसके आगे उसका नाम लिख दिया तो वी स्टैंड फॉर वेत एंड वेतनाम ऐसे हम कर सकते हैं और वो वियतनाम जो है उसके बाद में अगला जो कंट्री है वो है थाईलैंड तो वियतनाम जहाँ नाम लिखा हुआ था वहीं पे थाई फूड मिलता था बगल में किसी रेस्टोरेंट में किसी ढाबे में ऐसा आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं और वो नाम जो है वियतनाम वी, वो नाम भी जो है वो एक रेस्टोरेंट का नाम था जहाँ पे बहुत ही फेमस थाई फूड मिलता था सब लोग वहाँ पे थाई फूड खाने के लिए जाते थे जो वहाँ का बहुत ही फेमस था उसके बाद अगला जो कंट्री का नाम है वो है मैन और मैन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थाई फूड खा रहा था एक कस्टमर और उसके पास मयान थी और मयान में उसके पास एक तलवार थी तो मैन मैार उसके और उसके मन में भी जो है वो बहुत मार पड़ी हुई थी कुछ भी आप ऐसा एसोसिएशन जो है वो बना सकते हैं मैन म्यार को हम बर्मा भी कहते हैं तो आप इसको ब्रह्मा जी जैसा लग रहा था वो आदमी थाईलैंड में जो थाई फूड खा रहा था ऐसा भी आप सोच सकते हैं तो बर्मा या मैन मैार उसके बाद में आपको याद रखना है मलेशिया तो ये जो मयान थी इस मयान को इस आदमी ने बाजार में बेच दिया और उसको बहुत सारा माल मिल गया तो मलेशिया हम उससे याद रख सकते हैं इस बहुत सारे माल से उसने सोचा कि मैं अपने घर में अपनी वाइफ़ के लिए कॉम ख़रीद लूँ तो उसने बड़ा सा एक कॉम ख़रीदा कम बोडिया कम जो है वो उसने ख़रीद लिया कम और कॉम को लेकर के ये अपने घर आ गया वहाँ उसने लाओस उस, तो उस कॉम को क्योंकि कॉम थोड़ा स्मूथ नहीं था सुबह 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 जब बालों को उससे कॉम करने की कोशिश कर रहे थे तो बाहर से थोड़ी सी ओस लेके आ गए और ओस से फिर जो है बालों को थोड़ा गीला किया और फिर कॉम करने की कोशिश की लाओस तो अगला कंट्री का नाम लाओस है और फिर वो ओस इतनी खूबसूरत लग रही थी और मौसम इतना प्यारा लग रहा था कि वहीं लोन में खड़े खड़े गाना गाने लगे स्टार्टेड सिंगिंग और सिंगिंग से याद आता है सिंगापोर और सिंगापुर में जब स्टूडियो में गा रहे थे तो उनका गाना सुन के तीन मोर भागे भागे आ गए तो ती मोर और तीनों जो मोर हैं वो ब्राउन कलर के थे या तीनों मोर जो है वो बैठ गए ब्राउनी खाने लग गए तो अगले कंट्री के नाम है ब्रूनी ब्राउनी खाने के बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि अब जा के और पान खाना चाहिए तो वो पान खाने के लिए जापान चले गए और जापान में जा के उन्होंने पान खाया पान खा के एक बड़ी सी आ, उन्होंने कहा कि अपन रन करते हैं यहाँ से तो पान खाने के बाद में वो तेजी से रन करते हुए गए तो ईरान जापान से लेकर के ईरान तक उन्होंने एक बहुत लंबी रेस जो है वो लगाई और ईरान में पहुँच करके और वो एक बड़ी सी रॉक थी तो उस रॉक पे जाके बैठ गए ईरान ईरान के बाद इराक एक रॉक एक रॉक थी उस पर बैठ गए तो एक रॉक के ऊपर जाके बैठ गए इराक और उस रॉक के पास में जो है उन्होंने सौदा करना शुरू कर दिया अरब के लोगों के साथ कि देखो हमारे पास बहुत सारे अरबों के सौदे हैं या हम अरबी अपने साथ लाए हैं और इससे सौदा करते हैं आप लोगों से तो सऊदी अरेबिया अगला कंट्री है और सऊदी अरेबिया से फिर एक मैन उनके पास आया तो उसने कहा ये मैन ये मैन कौन है कि ये मैन बहुत अमीर आदमी है अगर ये आपसे सौदा करेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा मुनाफा होगा तो अगले कंट्री का नाम है ये मैन तो उन्होंने उस मैन के साथ बातचीत शुरू की कि ये मैन आप किस तरह का सौदा करना चाहते हैं तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारा सरिया पड़ा हुआ है तो सीरिया अगली कंट्री का नाम है सीरिया और ये जो सरिया है ये सरिया जो है वो रॉयल फैमिली का है इज़ रॉयल दिस सरिया इज़ रियली रॉयल ये गोल्ड से बना हुआ सरिया है और ये रॉयल है ये देखो रॉयल फैमिली की मोहर इसके ऊपर लगी हुई है और अगर आप चाहते हो कि इज़ रॉयल इज़ दिस इज़ रियली रॉयल और नॉट आप जोर लगा के देखो टन से आवाज़ आएगी उन्होंने बहुत जोर लगा के उसको तोड़ने की कोशिश की तो जोर लगाने से आप ये आ सकते हैं जोर डन तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 जोर लगाने से तो ये डन नहीं हो रहा है टूट नहीं रहा है तो लेकिन हम लैब में इसको चेक कराएंगे तो वो जोर लगा लगा करके और फिर उसको उठा के लैब में ले गए और लैब से आपको याद रखना है लैब नॉन वो लैब को उन्होंने ऑन किया और टेस्ट किया और टेस्ट करते हैं उन्होंने कहा ओ मैन ये तो बिल्कुल खरा सोना है यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया चीज़ है ओ मैन तो लैब के अंदर ऑन किया ऑन करते हुए उन्होंने क्या जवाब मिला कि ओ मैन ये तो जोरदार है तो बढ़िया चीज़ है आप तो बहुत अमीर हो गए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और उस मैन ने जो है वो सारा उसको सेल कर दिया सेल करके बाद में उसने यूनाइटेड अरब अमिराट्स के प्लेन से जो है अपने हॉलीडेज़ के लिए निकल पड़ा तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स आपको ध्यान आ जाएगा तो उसके जो हवाई जहाज़ में बैठा और वहाँ से निकल गया ऐसा भी इमेजिन कर सकते ओ मैन अरब का अरब पति आदमी बन गया अब तो इमरेट्स घूमने चलते हैं तो यूनाइटेड अरब अमीरात घूमने के लिए वो चल पड़े और वहाँ से जो है निकल करके और एक कुएँ के पास जाके बैठ गए तो कुएँ से आपको याद आना चाहिए कुवैत और कुएं के पास एक आदमी जो है कपड़े की छोटी छुट छोटी कातर बना रहा था कातर किसे कहते हैं कपड़े के छोटे टुकड़ों को जो है वो कातर कहते हैं तो वो छोटी 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 कातर बना रहा था कुएं के पास बैठकर कातर तो उन्हें कहा कि यार भैया तुम रुको इस कपड़े को फाड़ क्यों रहे हो लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था फिर करता जा रहा था कातर बना रहा था फिर पास में आके ज़ोर से बोला उसने सुना नहीं फिर कान में जाके ज़ोर से बोला तो भी नहीं सुना तो फिर पता चला कि वो आदमी बहरा था बहरीन तो इससे हमें याद आता है और जो बहरे लोगों का शहर था ऐसे इमेजिन कर सकते बहुत सारे बहरे लोग वहाँ रहते थे और उन लोगों को टर्की पालने का शौक़ था या उन बहरे लोगों में से एक बहरा व्यक्ति था वो उठा उसने ट्रक की की को उठाया और चल पड़ा जैसे वो ट्रक लेके आगे गया उसने कोई बेजान सी चीज़ जो है उसको रस्ते में पड़ी हुई दिखाई दी और वो जाके उस चीज़ को देखा कि वो बेजान सी चीज़ क्या है आ, उसकी नज़र पड़ी थी उस बेजान सी चीज़ पर तो नज़र बेजान से आपको याद रहना चाहिए अज़र बेजान और वो बेजान सी चीज़ क्या थी बाद में देखा तो पता चला ये तो जॉर्ज है जॉर्ज उसका कोई जानने वाला था तो जॉर्ज जिया जॉर्ज जो है वो जी गया क्योंकि उसको उसने अच्छे से फर्स्ट एड दी उसको हेल्प की तो जॉर्ज जो है वो जी गया तो जॉर्ज जिया और जब वो जी गया तो उसको कहा कि जॉर्ज अब तुम अच्छे से अपनी लाइफ को जियो तुम्हारे जितने भी अरमान हैं उनको पूरा करो और अरे मैन यू डू इट नाउ तो अगला कंट्री का नाम जो है वो है अर्मीनिया कि तुम्हारे जितने भी अरमान हैं उनको तुम पूरा करो खूब मेहनत करो खूब आगे बढ़ो एंड फिर उसने क्या किया साइप्रस और उसने अपने सारे भी जो नेगेटिव विचार थे उनको सबको सप्रेस कर दिया उनको अपने दिमाग से हटा दिया और पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसने जो है सोचा कि अब मैं पूरे देशों की शेयर करूंगा और खूब पढ़ाई करूंगा खूब तरक्की करूंगा सो जस्ट इट्स ऑल फन तो हमने एक छोटी सी अजीब व गरीब सी कहानी बना दी और दिस टाइम मैंने आपको रिविजन भी नहीं कराया फोर्टी नाइन कंट्रीज एशिया के मैंने अभी आपको बताए हैं तो एक बार इस पूरी प्रक्रिया में लगभग लगभग आपको चौदह मिनट और पचास सेकेंड लगे हैं हम एक बार फिर से सारे कंट्रीज को तेजी से रिवाइज करते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि आपको कितना ध्यान रहा तो पहले वाली स्टोरी मैं आपको बता चुका था हम इंडिया में बैठे थे एशियन कंट्रीज हम कर रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान गए पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए अफगानिस्तान से बाहर जैसे निकले तो उज्बेकिस्तान में लोग उचक उचक के काजू खा रहे थे कजाकिस्तान वो ताजा था काजू इसलिए तजाकिस्तान और उसमें किरगरी आ गई थी बीच में तो किर्गिस्तान और वो तुर्की आदमी था जिसके मुँह में किरकिरी आई वो रस्पी ने रशिया गया ताई का वाहन उठाया मैंगोलिया मंगोलिया वहाँ से चीन गया चीनी लेने के लिए कागज़ में साउथ कोरे कागज़ में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया और वो कोरे कागज़ में चीनी डाल के बंगले में चला गया रहने के लिए बांग्लादेश बंगले के चारों तरफ जो है नेपाली पैरा देते थे वो नेपाली लोग छुट्टी में अब जो है श्रीलंका गए श्रीलंका में जाकर के और उन्होंने वहाँ भुट्टे खाए भुट्टे का बिजनेस अच्छा लगा तो उन्होंने खूब माल बनाया खूब भुट्टे बेचे माल बनाया और द्वीप्स खरीद लिए और उसके बाद में जो है द्वीप्स मालद्वीप्स के बाद हमने कहा कि उनके द्वीप के ऊपर जो है या उनका जो भी माल बनाने के बाद में उस पर छोटे छोटे इंडोर जो है उन्होंने बहुत ऐश किया तो इंडोनेशिया हमने इसे विजुलाइज़ किया था और फिर छोटे 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 छो पिन जो है वो इंडोर में बहुत सारे पिन किसी ने बिखेर दिए थे फिलीपींस फिल कर दिया था उसको किसी ने पिनस के साथ गलती से किसी से गिर गए तो फिलीपींस और फिलीपींस के बाद में जो अगला है वो है वियतनाम तो उन पिंस की मदद से जो है वो वी की आकृति में एक बड़ा सा नाम लिखा गया वियतनाम और वियतनाम के बाद अगला है थाईलैंड वो नाम जो है वो एक थाई रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ था थाईलैंड तो इट वॉज़ रियली रियली अ वंडरफुल प्लेस और वहाँ बहुत अच्छा थाई फूड मिलता था एक आदमी वहाँ खाना खाने आया उसके पास एक बहुत बड़ी सी मयान थी तो मैन मैार और उस मैं से जो है उसको बेच करके उस आदमी ने बहुत सारा माल बना लिया तो मलेशिया और उस माल से उसने एक कॉम्बा खरीद कॉम खरीदा अपनी बीवी के लिए तो कम्बोडिया और वो कॉम खरीद करके घर लेके गया उसको बाल बनाने के लिए थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम था बाहर धूब में से थोड़ी ओस ली ओस बालों में लगाई और फिर बहुत सुंदर तरीके से उसने बाल बनाए और मौसम अच्छा था ओस बहुत प्यारी लग रही थी तो उसको गाना गाने का मन किया तो सिंगापुर ही स्टार्टेड सिंगिंग लाइक ही इज़ डूइंग इट इन सिंगापुर और उसका गाना सुन के तीन मोर आ गए तीनों मोर ब्राउन कलर के थे तीनों मोरों ने कहा जा अब पान लेके आ पान खाएंगे वो पान लेने के लिए गया और जापान से फिर उन तीनों को शौक़ हुआ कि चलो रन करते हैं यहाँ से जापान से जापान से रन करते हुए जो है वो पहुँच गए और पहुँच के वो एक बड़ी सी रॉक पे उन्होंने जा के विश्राम किया रॉक के वहाँ नीचे बैठ के लोग सौदा करते थे चीज़ों का तो सऊदी अरेबिया और सौदा करने में एक आदमी वहाँ आया ये मैन ये मैन है जो सौदा करेगा और ये मैन के पास क्या है सौदा करने लायक चीज़ें तो उसके पास सरिया था उसने कहा ये सरिया बहुत ही रॉयल सरिया है इज़ रॉयल इट इज़ रॉयल तो इज़ रॉयल अगली कंट्री है और तुम जोड़ लगा के देख लो तो जॉर्डन पूरा जोड़ लगा के मैंने डन कर दिया है ये बिल्कुल रॉयल है जॉर्डन तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन फिर भी एक बार लैब में दिखा लेते हैं लैब नॉन और लैब में उसको ऑन किया लैब में जैसे टेस्ट हुआ उसने कहा ओ मैन ये तो बिल्कुल सही है उसको बहुत सारे पैसे मिले उसने पैसे लेके यूनाइटेड अरब आदमी बन गया यूनाइटेड अरब अमीरात के हवाई जहाज़ से वो लोग चले गए घूमने के लिए और जाके वहाँ वो सबसे पहले कुवैत गया कुवैत में देखा उसने अजीबोगरीब कुएं के पास एक आदमी छोटी छोटी कतरन काट रहा है उसने उसको मना किया दो चार बार कान में जाके मना किया तो भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बाद में पता चला वो व्यक्ति बहरा था बहरीन उसको सॉरी बोली और वहाँ पे और भी बहुत सारे बहरे लोग रहते थे तो उनमें से एक बहरे व्यक्ति ने जो है वो ट्रक की की उठाई और वो चल दिया वहाँ से और जब रास्ते में वो ट्रक की लेके चल रहा था तो उसने देखा कि एक बेजान सी कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको लगा ये क्या है उतर के उसने देखा उस बेजान सी चीज़ को अजरबेजान तो देखा कि ये तो जॉर्जिया है तो जॉर्ज है वो जी गया है वापस से जॉर्जिया और अब इसके बहुत सारे अरमान हैं आर्मीनिया जिनको ये पूरा करेगा और साइप्रस अब ये किसी तरह के भी अपने आ, ड्रीम्स को इनको उनको कभी भी सप्रेस नहीं करेगा किसी व्यक्ति को भी सप्रेस नहीं करेगा एंड ही गोना लीड अ वेरी सक्सेसफुल एंड प्लेजेंट लाइफ तो हमने पूरे एशिया के सारे कंट्रीज़ के नाम अभी याद रख लिए दैट इज़ रियली वंडरफुल आपको ज़रूरत महसूस हो तो एक दो बार आप और इसी ऑडियो को सुन सकते हैं और स्टोरी uh, आपके दिमाग में बैठ जाएगी बट अगेन आई एम रिपीटिंग यू एंड आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग वट एवर स्टोरीज आई एम गिविंग यू दीज आर माई स्टोरीज एंड दीज आर माई वेज ऑफ थिंकिंग बट दिस विल नॉट हेल्प यू मैच थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट मैक्स टू मैक्स फिफ्टी परसेंट जब आप खुद अपने से स्टोरीज़ बनाने लगेंगे जब आप ख़ुद अपने से करने लगेंगे योर स्पीड विल बी फार बेटर नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट आप बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर पाएंगे चलिए ठीक है आपने बहुत ध्यान से लगभग पिछले बीस मिनट मेरे को सुना आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी प्रैक्टिस एंड हैप्पी लर्निंग टू यू थैंक यू बाय चैप्टर फिफ्टी फोर Right now we are practicing visualization and association principle, and uh, we are doing world countries. So in chapter 54, we're going to do about African countries. Africa is the continent where we have maximum number of countries. So let's start with Nigeria. So what we are thinking is, sa Africa, countries नज़र डालते हैं नाइज़ीरिया सो so, नज़र कैन बी नाइज़ीरिया सेकेंड इज़ इजिप्ट सो so, हमने नज़र डाला और हमको लगा कि वाह अफ्रीका तो बहुत अच्छा और खूबसूरत कॉन्टिनेंट है देन वी डिसाइडेड टू विजिट इट और हम पहुँच गए इजिप्ट हमने एक अपने जैकेट के जिप लग लगाई और हम पहुँच गए इजिप्ट इजिप्ट में हमने देखा कि एक आदमी जो है वो पिरामिड के पास में सो रहा है हमने कहा ओ भैया उठो इथोपिया उठो भैया तो हाउ हाउ यू कैन मेक इट उठो भैया इथोपिया सो so, उठो जी भैया इथोपिया सो so, फर्स्ट वाज कि हमने नज़र डाली अफ्रीकन कंट्रीज पे नाइजीरिया एंड नज़र डाल के जैकेट को हमने ज़िप किया इजिप्ट है ना उसको जिप किया इजिप्ट पहले नज़र डाली फिर ज़िप किया जैकेट को और फिर पहुँच गए इजिप्ट और इजिप्ट में फिर हमने एक भैया था उनको जगाया कि उठो भैया इथोपिया और भैया जो है उन्होंने एक छोटा सा जिसको हम कहना चाहेंगे कि कोई विमान या ऐसा कुछ लेके एक सुंदर उड़ान भरीप तो सूडान उस सुंदर उड़ान में हमने देखा अगला उड़ान के बाद में सूडान की कंट्री के बाद अगला जो वर्ड है या अगला जो देश है वो है मोरक्को सो मोरक्को क्या है इससे हम क्या याद कर सकते हैं कि मेरे को कि अब भाई अब मेरे को भूख लग गई है उड़ान भरते भरते मेरे को सो मोरक्को सो मोरक्को को कि मेरे को अब तो भूख लगी है तो नीचे जाना है और नीचे आए और उन्होंने कहा भूख लगी तो उनका जीरा खा लो थोड़ा सा और तो कुछ है नहीं तो अलजीरिया अलजीरिया के बाद अगला वर्ड है घाना जीरा खा के ये लोग के घने से जंगल में घुस गए तो घाना घाने के बाद है आइवरी कॉस्ट सो हाउ यू कैन डू एस कि उस घने जंगल में आइवरी इज़ ऑल्सो जो एलिफेंट हाथी के जो दांत हैं उनको भी कहते तो वो आइवरी डिकॉस्ट तो ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं घने जंगल में हाथी दिखा एन आइवरी डिकॉस्ट फिर उसका आइवरी वाले हाथी का जो है वो कैमरे से फ़ोटो लिया कैमरून और कैमरे से फ़ोटो लेने वाला जो व्यक्ति था उसने बुरका पहन रखा था तो बुरकी न फासो वो बुरके में फंसा हुआ था देन नेक्स्ट कंट्री इज़ नाइजर तो बुरके में फंसा हुआ था और वो कैमरे से फ़ोटो ले रहा था और नाइजर से हम याद रख सकते हैं कि नज़र रखना या या नाई जो है वो जर जर करके बाल काट रहा था तो बुरके में फंसा हुआ ये व्यक्ति जो है या महिला जो है वो बाद में एक नाई की दुकान पे गई बच्चे के साथ और उनने कहा कि इस बच्चे के आप बाल काट दो तो नाई ज़र जर करके उसके बाल काट देते हैं नाई सर इसके बाद है अगला सीनेगल तो सीनेगल को हम कैसे याद रखें उसके जर्जर बाट काट करने के बाद में वो कहता है सीने गल और सीने गल को हम कर सकते हैं कि उसने पैसे दिए बाल काटने के तो उसमें सोना दिया और उस सोने को जो है इसने गला दिया और गला के अपने पास रख लिया तो सीने गल और अगला वर्ड है माली जब ये सोने को गला रहा था तो एक माली ने उसे देख लिया सोने को गलाते हुए और अगला शब्द है ट्यूनीशिया तो माली जो है वो एक ख़ास तरह की ट्यून जो है वो हमेशा अपने मुंह से निकाला करता था या कोई सीटी या ऐसी कोई ट्यून वो हमेशा निकाल निकाल के गाया करता था ट्यूनीशिया और उसके बाद में अगला कंट्री है चैड तो चैड से हम ऐसे कर सकते हैं कि ट्यून निकालता निकालता वो जब आपस में चैट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ तो भी जो है वो ट्यून निकालता रहता था सो दैट स्टैंड फॉर चैड तो चैट से चैट या चैट से फिर चैट या फिर ट्यून निकालता हुआ चार्ट भी आप कर सकते हैं इसको कि वो चार्ट खाता जा रहा था और ट्यून निकालता जा रहा था सो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द थिंग अभी पाँच मिनट में हमने पंद्रह अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम पे एक नज़र डाली तो आप देखिए सबसे पहले क्या था कि हमने अफ्रीका पर नज़र डाली तो नाइजीरिया फिर जैकेट को जिप करके चल पड़े और इजिप्ट पहुँचे इजिप्ट में फिर एक भैया को उठाया कि आप हमारे साथ चलो एज अ गाइड इथोपिया और तो भैया चलो साथ में भैया ने एक सुंदर उड़ान के लिए हमको लेके गए और फिर हमको हमने कहा कि मेरे को भूख लगी तो मेरे को इस मुरक को भूख लगाई तो हमको जीरा खाने को दिया तो अलजीरिया जीरा खा के हम घने जंगल में घुस गए जंगल में आयवरी डिकॉस्ट तो आइवरी का जो कॉस्ट है वो पूछा और सामने एलिफेंट दिखाई दिया एलिफेंट के कैमरे से फोटो ली कैमरून इज़ अ कंट्री और कैमरे में लेने वाला जो महिला थी उन्होंने बुरके में वो फंसी हुई थी बुरके फासो और बाद में वो एक छोटे बच्चे के साथ नाई की दुकान पे गई नाई ने जर्जर जर उस बच्चे के बाल काट दिए नाई सर बदले में नाई ने सोना थोड़ा सोने के सिक्के लिए और उनको गला दिया तो उसी ने गल गलाते हुए किसी माली ने उनको देखा तो माली और माली जो है हमेशा एक ट्यून बजाया करता था तो ट्यूनिशिया और ट्यून बजाने के बाद ये माली जो है वो ट्यून बना बजाता जाता और चाट खाता रहता या चैट करता रहता लोगों से तो चाट अगला शब्द है तो ये जो अभी हमने पंद्रह कंट्रीज़ किए ये नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ थे और अब हम थोड़े से और नॉर्दन अफ्रीकन कंट्रीज़ करेंगे चाट के बाद में जैसे उसने चार्ट खाया तो दुकानदार ने का पैसे दो तो उन्होंने एक गिन्नी दुकानदार को दे दी और तो अगला कंट्री का नाम है गिन्नी इसके बाद है सोमालिया तो गिन्नी देने के बाद में जब पैसे बच गए तो सोमालिया पर सोमालिया से हम क्या याद कर सकते हैं और सामान लिया गिन्नी के बदले में और ज़्यादा सामान लिया तो सोमा लिया और बहुत सारा सामान लेके चले तो बैन इन तो पुलिस वालों ने उनको वहीं परस्ते में बैन कर दिया कि ये ये सामान तो आप नहीं ले जा सकते दिस दिस इज़ नॉट लीगल तो उनको बैन कर कर दिया कि नहीं 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 ये सामान यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको बैन इन तो ये व्यक्ति को जब बैन कर दिया तो उन्होंने कहा अच्छा सीरा लियोन इज़ द नेक्स्ट कंट्री तो बैन करने के बाद इनके पास टाटा सियरा गाड़ी थी ये अपने पार्किंग में जाके और टाटा सियरा लेने के लिए चले गए तो सियरा ली ऑन और गाड़ी में बैठे जो बचा हुआ सामान उन्होंने दिया वो लिया और बैन करने के बाद ये अपने टाटा सियरा ले लाइब्रेरी में पहुँच गए तो ली हम इमेजिन कर सकते हैं तो या फिर टाटा ता, सियरा में जब गए तो टा उन्होंने कहा कि भई ये ये सामान जो है हम आपको दे सकते हैं ये बैन नहीं है तो ली ले भैया ये ये सामान ले ले और तू चला जा और भैया वहाँ से जो है ले लिया और टोगो उन्होंने सामान एक टोगो में रख दिया टोंगा गाड़ी में रख दिया ऐसे सोच सकते हैं और वो चल पड़े वहाँ से अब ये टांगा जो है वो बहुत धीरे 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 ट्रैफिक में जा रहा था और उसको चालक जो था वो बहुत ही इरीटेट हो रहा था तो इरीट्रिया वो ख़ुद भी इरीटेट हो रहा था और दूसरों को भी इरीटेट कर रहा था तो इरीट्रिया और बाद में वो इरीटेट होता करता धीरे 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 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक बड़े से लंबे तगड़े ताकतवर अफ्रीकन आदमी से थोड़ा उलझ गया और वो अफ्रीकन आदमी उसको लेकर के सीधा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पहुंच गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यू आर as इट Negro or और African पर्सन ये अफ्रीकन पर्सन जो है इसकी टाँगें बहुत स्ट्रांग थी एंड यूज टू से मेरी ठानगिया सो मोरीठानिया इज़ नेक्स्ट कंट्री जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बाद में हम याद रख रहे हैं तो मोरिठानिया तो वो अपनी टाँगों पर चल चल के और सुबह उठ के और फिर लाइब्रेरिया तो लाइब्रेरी जाया करता था ऐसे हम इमेजन कर सकते हैं और जब वो लाइब्रेरी पहुंचा अपनी टांगों पे चलते हुए तो मोरिटानिया टांगों के बाद में लाइब्रेरिया और जैसे लाइब्रेरी पहुंचा तो उसने कहा जी भी सीन देखा कि गैम्बिया सब लोग लाइब्रेरी में गेम खेल रहे थे अलग अलग तरह के सब लोग गेम खेल रहे थे गैम्बिया और गिन्नी बिसाओ कुछ लोग जो है वो एक गेम खेल रहे थे उसमें बहुत सारी गन्नियाँ बिसी हुई थी तो उन्होंने कहा इतनी सारी सोने की गन्नियाँ बिसा बिछा करके और ये कौन गेम खेल रहा है तो उस गेम को उसने ध्यान से देखा तो उन्होंने गन्नीय को आधा आधा बांट लिया था इक्वल इक्वल बांट लिया था इक्विटोरियल गिनी और उसको देखने के बाद अगला जो कंट्री का नाम है इक्वल इक्वल गिनियों को बांट लिया फिर अगली कंट्री है जिबूती तो उन्होंने बांटने के बाद में उनका गेम ख़त्म हो गया और वो लोग जो है एक जीप में बैठ गए तो जिबूती दिस इज़ आउ हमने 29 कंट्रीज़ के नाम अभी तक किए हैं और एक बार आप विजुअलाइज़ करके देखिए कि आपको कितने कंट्रियों के नाम वापस आते हैं तो हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ पे एक नज़र डाली थी नज़र डालने के बाद हमने अपने जैकेट को जिप किया इजिप्ट और हम पहुंच गए पिरामिड्स देखने वहाँ एक भैया को हमने उठो भैया जगाया यानी कि इथोपिया उन भैया ने हमको एक शानदार उड़ान कराई पूरे अफ्रीका के ऊपर तो सूडान और उसके बाद में हमने कहा कि मेरे को अभी भूख लगी है तो मै भूख लगने पे हमने जीरा खाया अल्जीरिया फिर जीरा खा के कहाँ गए थे घने जंगल में तो घाना जंगल में क्या मिला हाथी आइवरी कॉस्ट तो आई विल रिकवर इट्स कॉस्ट और उसकी फिर एलिफेंट की फ़ोटो ली थी आइवरी की फ़ोटो ली थी कैमरे से तो कैमरून फोटो लेने वाली महिला बुरके में फंसी हुई थी बुरके ना फांसो वो नाई के पास गई बुरका पहने पहने अपने एक बच्चे को लेकर के बच्चे ने जर जर नाई ने वो काट दिए बाल तो नाई सर बदले में नाई ने जो है वो सोना लिया और सोने को गला दिया सेने गल गलाते हुए एक माली ने उसे देखा जो एक ट्यून बजाता रहता था ट्यूनीशिया और वो ट्यून बजाता बजाता जो है वो चाट भी खा रहा था चाट खाने के बाद में उसने गिनी के रूप में एक पेमेंट कर दिया और बचे हुए सामान और बचे हुए पैसे से और सामान ले लिया तो सोमालिया और सामान ले करके चला तो उस सामान को पुलिस वालों ने बैन कर दिया कंट्रीज़ बैन इन और सामान जब बैन हो गया तो पार्किंग में जाके अपनी सेरा लियोन और उसने अपनी टाटा सेरा गाड़ी लेकर के वो चला और लिबिया और ले बिया तो जब वो गाड़ी लेके चला तो उनका ले भैया इन इन सामान पे जो है वो बैन नहीं लगा है ये तू ले जा वो सामान उसने एक टोगो में टोंगो के अंदर लोड करवा दिया तो टोगो और ये टोगा गाड़ी वाला जो है वो दूसरों को इरिटेट करता हुआ खुद इरिटेट होता हुआ आगे पड़ रहा था आगे चलते चलते इरीटेट होते होते ये एक अफ्रीकन आदमी से उलझ गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और उस आदमी की टाँगें बहुत मजबूत थी मोरी टांगयाँ उसे अपनी टांगों पे बहुत गर्व था और ये डेली अपनी टाँगों पर जो है लाइबेरिया लाइब्रेरी आया जाया करता था लाइब्रेरी में उसने एक दिन बहुत अजीब बात देखी सब लोग गेम खेल रहे थे गेम बियाँ और गिन्नी बिसाओ गनियाँ बहुत सारी बिछी हुई थी और कुछ लोग उन गियों को आपस में इक पुल इक पुल बाँट के गेम ख़त्म कर देते और जीप में बैठ के वहाँ से निकल पड़ते जीबूती तो आपने सारे नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ अफ्रीकन सॉरी कंट्रीज़ जो हैं वो आपने कर लिए अब टर्न आता है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम इसकी एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे और सबसे पहला जो कंट्री हमने लिया है वो कॉन्गो को लिया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हम कर रहे हैं तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कॉन्गो जो है वो कुछ निगरोज़ जो हैं वो बजा रहे और एक बड़े से डोम में और वो कंट्री जो है रिपब्लिक हो गया है इसलिए उसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो डेमो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो बज रहा है और बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में इकट्ठे हुए हैं और बड़े तन मन और जान से वो लोग डांस कर रहे हैं कॉन्गों के बचने पे तो लोग इकट्ठे हुए साउथ अफ्रीका में और बड़े तन मन से वो ज़ोर से डांस कर रहे हैं तो आ, उसको हम कहेंगे तन जानिया पूरी तन से और जान से वो मेहनत कर रहे हैं तो तन जानिया और जान से डांस करते करते उनको थोड़ा सा गला सूखा तो उन्होंने कैन एक ले लिया तो कीनिया ये कैन का जो खाली डब्बा था वो उन्होंने थ्रो किया थ्रो किया तो जाके वो एक गेंडे से टकरा गया तो यू गेंडा ठीक है ना तो कंट्रीज़ नेम इज़ यू ये जो गेंडा था अगला कंट्री का नाम है मोजाम्बिक ये बड़े मज़े मज़े में जो है वो घूम रहा था उछल रहा था नाच रहा था तो मोजाम्बिक और मोजाम्बिक के बाद में उस बहुत ही मज़े में था उसी ने सामने देखा कि ऐसी तरह से एक आदमी और मज़े कर रहा है वो मैड आदमी था कोई जो घास खा रहा था और मज़े कर रहा था तो मैडा या जो है मज़े करते करते ये गेंडा जो है वो खुद ही मैडा पहुंच गया हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं या एक मैड आदमी था जो कि घास खा रहा था ऐसे भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं मैडा और घास खाने के बाद उसने कहा ये तो टेस्टी नहीं है चलो थोड़ी सी मलाई खा लेता हूँ तो अगली कंट्री का नाम है मालावी और मलाई खा के ये बड़ा खुश हो गया इतने में क्या हुआ इसको देख के एक बाबा उधर से गुजरे तो इसने जब देखा कि बाबा ने मुझे मलाई खाते हुए देख लिया है तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया जिम बाबे कि बाबे आप भी जिम लो भोजन तो राजस्थानी भाषा में जीवने का मतलब होता है भोजन करने के लिए किसी को आमंत्रित करना या भोजन करना जीवना मतलब भोजन करना सो मलाई जीवने के लिए उसने न्योता दे दिया तो मालवी और जिम बाबे बाबे आप आके आप भी जीम लो या यू ऑल्सो कैन इमेजिन दैट बाबा जो है वो जिम से एक्सरसाइज करके आ रहे थे तो जिम बाबे अगले कंट्री का नाम है अंगोला तो हाउ यू कैन डू इट कि बाबा जो है वो जिम से आ रहे थे और उनके हाथ में एक गोला था अंगोला या अंगोला से हम आग का गोला भी एक इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा के हाथ में एक अंग गोला था आग आग का एक गोला था और उसके बाद में है जाम्बिया तो वो जो एक गोला जो था आ, ये लेकर के वो जा रहे थे तो इनको देख करके और जाम लग गया था जाम बिया क्योंकि किसी ने भी आग का इतना बड़ा गोला हाथ में देखा नहीं था सब उसको देख के के और जाम दिया जाम लग गया था पूरा ट्रैफिक का तो दी सदी फ्यू कंट्रीज दस कंट्री हमने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज अभी करी क्या हुआ था कि डोमिनिकन रिपब्लिक और कॉन्गो तो उससे हमने कहा था कि वो डोम के अंदर कॉन्गो बजा रहे थे और साउथ अफ्रीका के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे वो तन मन जान से नाच रहे थे तो तन चानिया और नाचते नाचते थोड़ा उनको प्यास लगी तो कैन पिया कैन को खाली करके और उन्होंने फेंका तो वो गेंडे से लगा गेंडा बहुत मजे कर रहा था मोजाम्बिक मज़े करता करता और घास खाते खाते वो मैड हो गया और मेडागास्कर पहुंच गया और मेडागास्कर में एक आदमी भी मैडो के घास खा रहा था फिर उसने कहा कि नहीं नहीं घास का टेस्ट अच्छा नहीं है मलाई खाता हूँ वो मलाई खाने लग गया बहुत सारी मलाई उसने खाई और इतने में एक बाबा आ गए तो जिम बाबे बाबे को भी उन्होंने कहा बाबा आप भी जो जिम लो या बाबा जिम से आ रहे थे बाबा के हाथ में एक आग का गोला था अंगोला जिससे कि पूरा ट्रैफिक में जाम लग गया जाम भी अब बाद में इस ट्रैफिक को जहाँ जाम लग गया था कैसे जैसे इसको रवाना किया तो रवांडा और जो जो लोग रवाना हो गए थे खुशी खुशी उनको बरुंडी बरुंडी से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि थोड़ी सी बूंदी दे दी सबको जाने वाले लोगों को सबको बूंदी दे रहे थे और सब चले जा रहे थे और कॉन्गो तो जाते समय सब लोग जो है उनको एक कॉन्गो Uh, की सीडी भी साथ में दे दी या एक बूंदी के साथ एक कंगा भी दे दिया कांगो से कंगा भी कर सकते हैं जो पहले आया था डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड दिस कंट्रीज़ ओनली कांगो तो बरुंडी उन्होंने बूंदी खाई और बूंदी खाने के बाद में कांगो तो ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि बूंदी के पैकेट के साथ ही एक कांगो एक कंगा भी उनको जो है वो साथ में दिया तो कांगो फिर अगला है नामीबिया उस नए व्यक्ति ने कॉम के ऊपर अपना नाम लिख लिया नामी बिया ना नाम लिख लिया कॉम के ऊपर ताकि खो नहीं जाए कंगा तो कंगा से हमने कंगो याद किया कंगा क्योंकि उसे लगा बहुत महंगा है तो उसने उसके ऊपर अपना नाम लिख लिया नामी बिया और नाम लिखने के बाद में फिर वो घर लेके गया ले सो थो और घर ले जाके उसने अपने स्पाउस को अपनी वाइफ को कहा कि ले लो तो ये मैं कॉम लेके आया हूँ आपके लिए कंगा लेके आया हूँ तो ले लो तो ले सो हाँ तो इस ले सो तो ले, ले लो तो सो तो और उन्होंने ले लिया और उनको बड़ा अच्छा लगा तो वाइफ को बहुत अच्छा लगा अगला वर्ड है तो के बाद में कि ले लिया तो आपने बहुत सुवाना तो वाइफ ने कहा कि बहुत सुहाना आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है तो चलो कहीं घूमने चलते हैं और वो ये लोग घूमने के लिए निकल गए और फिर अगला वर्ड है गैबन तो गैबन से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे रिबन बहुत सुहाना मौसम था गैबन गैबन का मतलब रिबन जो है वो कुछ गिर रहे थे और इन्होंने उन रिबनस को गिरते हुए रिबन को देखा कि ये कहाँ से गिर रहे हैं कौन इनको उड़ा रहा है तो देखा कि मॉरिशियस अगला जो कंट्री है ये रिबंस बरस रहे थे और इन्होंने कहा कि मॉरिशियस में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और लोग इसीलिए ये रिबंस उड़ा रहे हैं उछाल रहे हैं तो रिबन रिबन से मॉरिशियस या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मर्सिडीज़ में बैठ के और मॉरिशस गए और वहाँ पे जाके बहुत ही स्वादिष्ट खाना उन्होंने खाया मॉरिशस में तो बहुत ही स्वाजी तो स्वादिष्ट खाने से हम क्या कर सकते हैं कि स्वाजी लैंड उस लैंड पे बहुत स्वादिष्ट खाना बनता था तो स्वाजी लैंड और खाना खाने के बाद नींद आने लगी तो सब लोग कमरे में जाके सो गए कोमोरोस और देखा कि एक बगल वाले कमरे में जो है वो प्रिंस सोए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि सो तो मैं तुम सो जाओ एंड प्रिंस पे यहाँ प्रिंस भी सोए हुए हैं तो सोवे तो में प्रिंस पे तो कंट्री का नाम है सो तो में प्रिंस पे और प्रिंस को रात को बड़ी ठंड लगी तो सर्दी में जैसे वो ठिठुर रहा था तो सी सी बार 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 वो साउंड कर रहा था सी शल्स सो दिस इज़ वॉट वी हैव डन ऑल फिफ्टी टू कंट्रीज अफ्रीका तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लगभग बीस मिनट में हमने फिफ्टी टू कंट्रीज़ जो है, वो हैं वो किए हैं Uh, दो तीन कंट्री लगभग uh, हर एक मिनट में सो टू स्टार्ट विथ इट इज़ अ गुड कैन ऑफ अ स्पीड एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट बिकॉज द कैन ऑफ एसोसिएशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू विच आई एम मेकिंग विल बी लिटल टफ फॉर यू तो जब आप अपने तरीके से साउंड्स को ब्रेक करेंगे वर्ड्स के और अपने तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज़ करेंगे यू विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर वे और तब आपको ज़्यादा याद भी रहेगा चलिए आपने सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ही पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के नाम अब आपको याद हो गए दिस इज़ रियली वंडरफुल एक दो बार और अच्छे से रिवाइज करिए लिख के देखिए दूसरों के साथ शेयर करिए दूसरों को बताइए ओके सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट एनकरेजमेंट नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस वर्ल्ड कंट्रीज एंड देयर नेम्स यू नीड टू टू इट और इसे सोलिडिफाई कैसे करते हैं आपके पास ऑलरेडी सॉलिडिफिकेशन के सेशन में हमने इसके बारे में आपको बताया था एंड इफ यू जस्ट वॉन्ट टू गेट एन आइडिया मोर go and do the chapter of solidification once again so you'll have number of uh, things what next i can do so god bless you and uh, keep practicing like this and uh, happy learning goodbye